Now this is the reason for 6:45. Still I have given 6:45 and अभी भी मुझे पता है कि सब लोग 7 o'clock तक ही आएंगे. तो इट वेस्टेड 15 मिनट्स. अगर मैं 7 बोलूंगी तो 7:15 तक आई वुड बी एबल टू स्टार्ट. तो डेली इट वुड बी 6:45. जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनका राइटिंग सेशन हम लोग 6:45 को ही अब रखना स्टार्ट करेंगे. तो जो कल का किया है वो भी हम लिखेंगे, और जिस वक्त हमने क्लास एंड किया उसके बाद एक राइटिंग सेशन लिखेंगे जो क्लास में किया उसका. सो डेली क्या होता रहेगा हमारा, मल्टीपल रिविजन राइटिंग में होगा. एक बार लास्ट में जो पूरा हो जाएगा ना, तब तुम प्रॉपर मुझको लिख के देना, देन आई विल चेक योर पीडीएफ कि गलती कहाँ है और क्या क्या कीवर्ड्स है जो तुम लोग लिख नहीं रहे हो. बिकॉज वेन वी फाइंड कि हम तो सब सही लिख रहे हैं पर सच में सही है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. अभी तक की जो क्लास थी, हमने अभी तक की क्लास में क्या किया था? सबसे पहले हमने समझा था कि जीएसटी में सप्लाई नाम का टैक्सेबल इवेंट होता है, एंड दैट सप्लाई इज गिवन इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स, उससे हमने समझा था इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. और जिन डेफिनेशन में मीन लिखा रहता है, MEAN मीन्स, तो वो क्या होती है, मेरी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए. अब ये ऑल फॉर्म क्या था, इट कुड बी सेल, इट कुड बी ट्रांसफर, इट कुड बी लीज, इट कुड बी रेंटल, इट कुड बी डिस्पोजल, इट कुड बी एक्सचेंज, इट कुड बी बार्टर. मतलब जितने तरीके समझ में आते हैं सब कुछ क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं. बट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, आइदर मेड और एग्रीड टू बी मेड, वो भी चलेगा. क्या यहाँ तक की बात याद है? देन वी हैव मूव टू द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. अब गुड्स की जो डेफिनेशन थी, वो गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, गुड्स की डेफिनेशन में था एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड, या फिर अदर देन मनी सिक्योरिटी, बट सिक्योरिटी में इंक्लूड किया था एक्शनेबल क्लेम. साथ में लिखा था ग्रोइंग क्रॉप, ग्रासेस, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. चाहे फिर आप उसको बिफोर सप्लाई दे दो या फिर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई दो, उससे कोई मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इसमें मुझे समझ में आया गुड्स इंक्लूड ओनली मूवेबल, तो इमूवेबल का क्या? तो हमने देखा था जाने अनजाने सर्विस के डेफिनेशन में इमूवेबल कवर तो हो गया था, बट शेड्यूल नंबर थ्री का पैराग्राफ 5 है जिसमें लिखा हुआ है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. तो वहां से पता चला कि यहाँ इंक्लूड तो हुआ लेकिन शेड्यूल नंबर 3 ने उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस करके क्या कर दिया, बाहर कर दिया. याद है? देन अगेन कमिंग बैक, इसके अलावा क्या देखा था मैम, सिक्योरिटी में एक्शनेबल क्लेम क्यों इंक्लूड किया था गुड्स की डेफिनेशन में? बिकॉज आगे जाके फिर शेड्यूल नंबर 3 पढ़ेंगे जहां लिखा होगा सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन इसमें भी बोला है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हटा दो. मतलब उनको स्पेसिफिकली टैक्स किस पे करना था, दे वांट टू टैक्स स्पेसिफिकली लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जिसके रीजन से गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करके रखा था और शेड्यूल 3 में बाकी सबको हटा दिया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़. तो मैम ये मनी का क्या था, मनी आप एक दूसरे को दे रहे हो तो दैट इज नॉट अ रेवेन्यू, बट जब उस मनी के लिए आप कुछ चार्ज करोगे कंसिडरेशन, उसे रेवेन्यू बोलेंगे, तो वो सर्विस कहलाता है एंड उस पर क्या लग सकता है, लग सकता है जीएसटी. मेगा एग्जेम्पशन है कि नहीं हम वो देखेंगे उसके बाद कि हाँ जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा. फिर आते हैं हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन पे. मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, रिसिपिएंट दे सकता है, थर्ड पर्सन भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं. बट जब मैम थर्ड पर्सन ने को कंसिडरेशन देगा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी है, इन सच अ केस अगर वो सेलर को ही मिल रही है, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा. बट अगर मैम ये देने वाली तो गवर्नमेंट है, लेने वाला रिसिपियंट है, देन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय कंसिडरेशन. फिर हमने डिपॉजिट पे बात की थी कि अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको आपको रिफंड करना है,
तो वो आपका रेवेन्यू कहाँ बना? क्योंकि रेवेन्यू पे ही तो जीएसटी लगाएंगे कि कुछ गुड्स दिया, सर्विस दिया, आपने रेवेन्यू किया, आपको जीएसटी लगेगा। ये तो डिपॉजिट है, आपको आज नहीं तो कल रिटर्न करना है, तो डिपॉजिट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन अगर ये डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन अप्लाई करोगे, देन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन। याद आ गया उतना? तो इतना हमने अभी किया था, लेकिन मैम और भी कुछ चीजें थी गुड्स की डेफिनेशन से। क्या था? कुछ चीजें तो गुड्स की डेफिनेशन नहीं मैम, जीएसटी से ही बाहर कर दी। क्या था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन मैम कुछ चीजें डेफिनेशन से बाहर हुई थी, जैसे मनी सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हुआ था। और क्या था जो गुड्स की डेफिनेशन में तो है लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा उसके ऊपर? क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने अभी उसको डेफर किया हुआ है। उसमें था सबसे पहले हाई स्पीड डीजल ऑयल था मेरा, उसके बाद था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद नेचुरल गैस था, इसके बाद नेचुरल गैस के बाद क्या था, एविएशन मोटर स्पिरिट। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाती है? अभी तो नहीं लगेगा, जिस दिन इन्होंने बैठ के डिसीजन ले लिया उस दिन से जीएसटी यहाँ पे लगना हो जाएगा चालू। तो इतनी चीजें हमने कल की थी, बट कैन यू इमेजिन कि अभी हमने क्या किया? 5 मिनट्स बहुत स्लो पेस पे रिवाइज भी किया। अब आज क्या करना है? आज पहले मुझे पर्सन की डेफिनेशन करनी होगी, फिर मुझे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन करनी होगी, फिर इन सब चीजों को मुझे कंपाइल करके बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकालना बचा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब मैंने क्या बोला था, बोर्ड नोट दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर है? चल मैम, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ पे बात किस पे आ जाती है? अब बात आती है मेरी किस पे, कंसिडरेशन के ऊपर। अब नाउ व्हाट अबाउट द कंसिडरेशन, सॉरी पर्सन के ऊपर मेरी बात आती है, 1 मिनट देना। अब पूरी बात किसके ऊपर आएगी? पर्सन के ऊपर। मैम ये पर्सन कौन है, क्या मतलब है इस पर्सन का? अब सबसे पहले यहाँ पे समझो, इससे मैं दो लिंक निकालूंगी, एक पर्सन कौन है, हु इज पर्सन, और एक पर्सन की डेफिनेशन भी होगी, वो में आएगा मेरा टाइप्स ऑफ पर्सन। तो एक तो क्या है पर्सन कौन है वो आएगा, फिर एक आएगा मेरा टाइप्स ऑफ पर्सन क्या होती है। तो अब आते हैं हम पूरे पर्सन की डेफिनेशन के एनालिसिस पे। चलो अब मैम ये पर्सन कौन, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो याद है पर्सन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है पर्सन कोई भी हो सकता है। पर्सन कोई भी मतलब कौन? क्या मैम ये एक इंडिविजुअल हो सकता है? यस पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल। क्या मैम ये एक एचयूएफ हो सकता है? यस पर्सन कैन बी एन एचयूएफ। क्या मैम ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है? यस पर्सन कैन बी ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैम क्या ये एक एलएलपी हो सकता है? यस। क्या ये मैम पार्टनरशिप फर्म हो सकता है? यस ये क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। क्या मैम ये कंपनी हो सकता है? यस। ये बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? यस ये बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। क्या मैम ये एक आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन हो सकता है? यस ये एक आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन भी हो सकता है। मतलब कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी चलेगा। तो जब हम यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि एनीवन, कोई भी पर्सन हो सकता है। दिखने को हम इंडिविजुअल सोचते हैं बट सब लोग यहाँ पे कवर्ड है। लेकिन मेरे को यहाँ पे इससे इतना रेलिवेंस नहीं निकलता जितना मुझे ये समझना है टाइप ऑफ पर्सन क्या है। अब व्हाट डू यू मीन बाय कि टाइप ऑफ पर्सन यहाँ पे कौन कौन आएंगे? अब टाइप ऑफ पर्सन से मेरा मतलब समझो, एक चीज बताओ, जब हम कहाँ जाते हैं चाय पीने जाते हैं तो वहां पे भी एक अंकल होते हैं जो क्या होते हैं, वहां पे ठेले पे एक अंकल होते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, वो भी तो सेल करते हैं, वो भी सप्लायर है। हम चलते हैं किसके यहाँ, हम चलते हैं मैकडोनल्ड।
मैकडोनल्ड में भी कौन क्या है, कोई ना कोई सप्लायर है। हम अगर जाएं किसी और जगह, सपोज करो हम लोग पार्लर चले गए, वहां पे भी कोई ना कोई सप्लायर है। मैं भी तो क्या हूं अभी, सप्लायर हूँ। या तो मैं गुड्स दूंगी या तो मैं सर्विस दूंगी। मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है, मैम सप्लायर तो बहुत सारे लोग होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि सप्लायर बहुत होंगे। या तो मैं इंडिविजुअल की कैपेसिटी में सप्लाई करूंगी, या मैं एचयूएफ की तरह करूंगी, या सोसाइटी बन जाऊंगी, एलएलपी बन जाऊंगी, या फर्म बन जाऊंगी, कंपनी बन जाऊंगी, कुछ भी बन के सप्लाई तो कर रही हूँ ना, तो मैं सप्लायर हूँ। अब जीएसटी में जीएसटी लगेगा किसके ऊपर? क्या हर एक बंदे को बोलोगे तुमने कभी भी 10 कट, वो 10 रुपए की 1 कट चाय पियोगी तो वहां का जीएसटी लगाया भैया ने बैठ के? नहीं। पानीपुरी खाने गए, क्या उन्होंने जीएसटी लगाया? नहीं। मतलब जीएसटी में हर जगह तो लग ही नहीं रहा है। ये आपने यहाँ पे लिखा है कि सप्लाई बाय अ पर्सन, किसी भी पर्सन ने अगर सप्लाई की ट्रांजेक्शन किए, जो अपन ने सारे अभी पढ़े, वो ट्रांजेक्शन सप्लाई कहलाता। और मैम आप ही ने अभी बोला था कि सप्लाई ही टैक्सेबल इवेंट है, तो ऐसे तो जितने लोग सप्लाई कर रहे हैं हर एक पे जीएसटी लगना चाहिए। क्या ये बात मेरी समझ में? कि ऐसे तो जितने भी हमारे इंडिया में लोग हैं, जितने लोग सप्लाई करो सब पे जीएसटी लगा? सब पे जीएसटी तो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अभी आगे तुम्हें समझ में आएगा, 10 लाख का भी थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है, 20 लाख का भी थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है, 40 लाख का भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, 1 करोड़ का भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। मतलब कुछ कुछ अलग अलग कंडीशन आगे आएंगी जिसके हिसाब से थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब अगर आपका टर्नओवर इसको क्रॉस करेगा तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और तब आपको सारे जीएसटी के कंप्लायंस करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में? बट एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे पर्सन डेफिनेशन लिखा है, कुछ तो समझो इसका मतलब होगा। मैम पर्सन की जगह आप लिखो ना यार, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर सप्लाई किया, पर्सन नहीं मैम, रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया ये लिखो। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बहुत गलत हो जाता। क्यों? पहले तो सारे पर्सन के थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने चाहिए ना। मुझे इस इंडिया में हर एक पर्सन का पहले देखना होगा कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, तब उसको रजिस्टर करवाएंगे। तो मुझे हर एक पर्सन का पहले सप्लाई इंक्लूड करना था ना यहाँ पे, चाहे वो रजिस्टर हो या वो रजिस्टर नहीं हो। पहले तो मुझे नॉर्मल पर्सन लिखना था। क्यों मैम नॉर्मल पर्सन लिखना था? क्योंकि आज मैं, मेरा भी टर्नओवर क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। कोई और होगा उसका भी टर्नओवर काउंट होना चाहिए। जिस दिन टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ क्रॉस हो गया, एज द केस में भी जो आगे आएगा, तब जाके मुझे ये लोग बोलेंगे चलो चल के क्या हो जाओ, रजिस्ट्रेशन ले लो। तो लॉजिक समझ में आया, वह सिर्फ पर्सन क्यों लिखा है? पर्सन मैम कितने टाइप के होते हैं? पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, कॉमन वर्ड है पर्सन। पर्सन एक टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, अभी समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी होता है। तो मतलब मैम हमको पर्सन से मतलब क्या है? किसी भी तरह के पर्सन ने ट्रांजेक्शन किया जिसको हम सप्लाई काउंट कर रहे हैं, तो सारा सप्लाई सारा ट्रांजेक्शन क्या सप्लाई ही है। अगर कंडीशन कंप्लाई करता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन सप्लाई, फिर ऐसे जितने भी सप्लाई उसके सारे सप्लाई जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। जिस दिन उसका क्या हो गया, या तो 10 लाख अगर उस पर 10 लाख एप्लीकेबल है, 20 लाख अगर 20 लाख एप्लीकेबल है, 40 लाख अगर 40 लाख एप्लीकेबल है, अगर ये क्रॉस हुआ तो इन भाई साहब को क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन लेंगे तब इनको हम बोल देंगे ये रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, सारे जीएसटी के कंप्लाइंस इनको करने पड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि वो पर्सन क्यों लिखा है यहाँ पे? चलो अब मैम, व्हाट डू यू मीन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड पर्सन? सबसे सिंपल बात, अनरजिस्टर्ड मतलब जैसे अभी मैं, अनरजिस्टर्ड मतलब वो पानीपुरी वाले भैया, अनरजिस्टर्ड जहाँ पे हम क्या है चाय की टाली पे क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, वो सब अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि अभी या तो उनका 10 लाख, या तो 20 लाख, या फिर क्या है 40 लाख, अभी क्या नहीं हुआ, क्रॉस नहीं हुआ। हम भी तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन अभी काउंट हो रहा है। जिस दिन ये क्रॉस हो गया उस दिन हमको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन। दूसरा, ये हो गए हम अनरजिस्टर्ड। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्या बोल रहे हो मैम, जैसे जैसे आपका सप्लाई बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जिस दिन ये, मैं एक ही फिगर अभी जानबूझ के ले रही हूँ, बार बार 10 20 नहीं लिख रही, पर
पर तुम्हें समझ में आया कि अलग अलग लिमिट्स हैं। अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, एक दिन आया जिस दिन मेरा क्या हुआ, टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, इस दिन क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन गई अचानक से? मानो आज क्या है, 5 दिसंबर को जाते हैं अपन, आने वाली है 5th ऑफ दिसंबर, 5th ऑफ दिसंबर के दिन मेरा टर्नओवर हो गया 20 लाख क्रॉस, रजिस्ट्रेशन होते गए और 20 लाख से ज्यादा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गए। अब क्या उसी दिन मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन गई कि ये जैसे 20 लाख क्रॉस हुआ मैडम हो गई रजिस्टर्ड? अरे उसी एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थोड़ी ना आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे, प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की, उस प्रोसेस के बाद आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है, तब जाके तो आप मैम रजिस्टर्ड पर्सन कहलाओगे। तो मैम इधर जब तक टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ था आप अपने आप को अनरजिस्टर्ड पर्सन बोल रहे थे, हाँ इधर आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ, आपको लेना तो है रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन लेके बनना तो है रजिस्टर्ड पर्सन, पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोल रहे, तब तो आप अपने आप को बोलोगे क्या? मैं अपने आप को बोलूंगी आज से मुझे लगेगा टैक्स, मैं लाइबल हूँ टैक्स पे करने के लिए, पहले मेरे को टैक्स नहीं पे करना था, अब मैं टैक्स पे करने के लिए लाइबल हूँ, तो मैं बन गई क्या, टैक्सेबल पर्सन। जब तक मैं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लूं, नॉर्मली मुझे कहा जाएगा टैक्सेबल पर्सन। मैम रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद तब भी टैक्सेबल तो हूं, लेकिन टैक्सेबल की कैटेगरी में मैं कौन बन गई, प्रॉपर रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। क्या ये बात समझ में, तीनों का मीनिंग? तो अभी हमने क्या बोला, एक तो या तो आप क्या हो, टोटली रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, तो भैया अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैम बन गए, आज 20 लाख क्रॉस हो गया, आज की आज थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट नाउ आई एम टैक्सेबल, टैक्सेबल पर्सन मतलब पर्सन हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। वर्ड पे फोकस क्या है, द पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, जो भाई लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसी को तो मैं क्या बोलूंगी कि ये टैक्सेबल, और जिसने पूरी प्रोसेस कर ली और रजिस्ट्रेशन ले लिया वो क्या हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, सुनना, एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, पर टैक्सेबल पर्सन जरूरी नहीं है कि क्या बने, रजिस्टर्ड पर्सन बने। और मैम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन वो तो कभी भी टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकता, पर अगर उसने वॉलेंट्री सोचा, हमको 20 लाख नहीं सोचना, मेरे को तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है, तो जिस दिन वो सोच लेगा कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है और रजिस्ट्रेशन ले लेगा, तभी वो टैक्सेबल बने। क्या ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस समझ में आया? मेरी इच्छा है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मैं सोच लिया रजिस्ट्रेशन लेना है, तब भी मैं टैक्सेबल नहीं बन सकती क्योंकि मेरा टर्नओवर ही क्रॉस नहीं हुआ, पर मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ जो रजिस्टर्ड है, पर जिसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ उसका सोचने की जरूरत नहीं, वो उसी दिन से टैक्सेबल बन गया, बस उसको अब रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। क्या ये बात समझ में, लिख लो, डिक्टेट कर लो, मैं तब तक मेरा पेंसिल कनेक्ट करती हूँ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तुम लिखो। करो स्टार्ट, हाँ पर्सन डालो, हेडिंग, हेडिंग में डालो पर्सन, ना इन जीएसटी पर्सन मे बी इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट लिख लिया, कोई भी क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है। अब पार्टनरशिप फर्म भले ही फिर आप क्या है रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे भी मतलब नहीं है यहाँ पे, पर इसके लॉजिक को थोड़ा आगे जाके समझाऊंगी अभी नहीं, ठीक है? ये सारे लोग क्या हो गए यहाँ पे इंक्लूड हो गए, देन टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन में तीन ऐसे वो निकालो और क्या लिखो,
अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिर टैक्सेबल पर्सन, फिर रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन वो तो लिख सकते हो, द पर्सन हु हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज थ्रेशोल्ड हैज नॉट क्रॉस्ड। ठीक है, अनरजिस्टर्ड लिख लिया। अब इसके बाद टैक्सेबल पर्सन, द पर्सन रजिस्टर्ड और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, दैट इज टैक्सेबल पर्सन। द पर्सन रजिस्टर्ड और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, दैट इज टैक्सेबल पर्सन। देन देन इसके बाद आता है रजिस्टर्ड पर्सन, द पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मैम ये समझ तो लिया, इसका रेलिवेंस क्या है? इसका रेलिवेंस बहुत नोटिस करना जब आगे चल के जीएसटी में कुछ पढ़ोगे और वहां लिखा है सिर्फ पर्सन, तो मतलब वो वाला सेक्शन या फिर वो वाला प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? सभी के लिए, चाहे आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन मैम लिखा है टैक्सेबल पर्सन, तो वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए या तो लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, और अगर लिखा है मैम क्या रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के बनेगा जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं। तब तुमको समझ में आएगा, तीनों की कैटेगरी अलग निकलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे आईटीसी के कॉन्सेप्ट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे लगते हैं, वो लाइबल टू गेट रजिस्टर पे भी नहीं लगेंगे। फिर कुछ ऐसे चीजें आएंगी जो लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड पे भी आएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोविजंस लाइबल वाले पे भी लगेंगे और जो एक रजिस्ट्रेशन ले चुका है उस पे भी लगेंगे सारे के सारे। और मैम पर्सन अभी तो पढ़ रहे हो, सप्लाई सप्लाई तो सबका काउंट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा उसमें से रजिस्ट्रेशन किन को लेना है, तो ये सब पे लगते हैं। क्या ये बात समझ में? फिर दूसरा, ये हो गया एक चीज मैम, जीएसटी में कहीं पे लिखा होगा सिर्फ सप्लाई, कहीं पे लिखा होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, कहीं पे लिखा होगा सप्लाई ऑफ सर्विस, और कहीं पे लिखा होगा सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। इसका क्या मतलब है? अगर जीएसटी में लिखा हो सप्लाई, सिर्फ सप्लाई लिखा हो कहीं पे, तो उसका मतलब ऑलरेडी क्या सप्लाई, चाहे गुड्स का हो, सप्लाई सप्लाई चाहे किसका हो, सर्विस का हो। तो अगर सिर्फ सप्लाई वर्ड लिखा है तो वो स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ सप्लाई, क्योंकि ये कहाँ पे पता है गलती होती है, जब तुम लोग आंसर में लिख के आते, जहां पे लिखना है ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, तुम सप्लाई लिख के छोड़ के आ जाते, क्योंकि तुमको तो लग रहा है ना कि तुमने सप्लाई लिख के आ गए। अभी आगे मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे ऐसी चीजें आएंगी जहां सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स ही लिखा है, जहां सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस ही लिखा है, और हम सिर्फ क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लिखना है सप्लाई दिस दिस दिस, जो भी तुम्हारा आंसर है, तुमने एक वर्ड क्या कर दिया सप्लाई, उसके आगे लिखना था सप्लाई ऑफ गुड्स। तुमको लग रहा है हमारा तो पेपर बहुत अच्छा गया, वो एक सप्लाई वर्ड ने उस प्रोविजन को गुड्स के साथ सर्विस पे भी अप्लाई कर दिया। तो आपको कॉन्शियस रहकर देखना होगा, अगर आप सिर्फ सप्लाई लिख रहे हो मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों है, या ये लिखो तो भी बात वही है दोनों है। अगर किसी प्रोविजन में ये स्पेसिफिकली लिखा है तो ये वर्ड यूज नहीं करना, नहीं 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 ये चीज अब भी लिख लो, क्योंकि बाद में तुम लोग रैंडमली ही लिखते हो। फिर लिख लो,
2 मिनट दे रही हूँ, राइट इन योर लैंग्वेज। डन। चलो तो अभी अपन ने अब किसकी डेफिनेशन को भी और समझ लिया, पर्सन की डेफिनेशन को भी फाइनली क्या किया, कंप्लीट किया। अब बचता है क्या, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब क्या बचता है फाइनली मेरा, सिर्फ छोटा सा पॉइंट, दैट इज कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आ जाती हूँ मैं किस डेफिनेशन पे, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पे आती हूँ। सबसे पहले ही एक वर्ड दिख गया और इसका मतलब क्या है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, सारे बिजनेस हमने यहाँ कवर किए। तुम इस चीज की गहराई को समझो, सप्लाई की डेफिनेशन में सब कवर करना बहुत जरूरी था, इसीलिए तो आगे मेगा एग्जेम्पशन आया, इसीलिए तो आगे नेगेटिव लिस्ट आया कि बाद में हटाते रहेंगे, पहले इंक्लूड तो कर लें। अब इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये समझो, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। हाँ भाई मैम, हम बिजनेस कर रहे हैं। अब मेरी बात समझना, पहले स्टोरी की तरह समझते हैं फिर उसको रीडिंग करेंगे। मैम बिजनेस मतलब क्या, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा छोटा है अभी बिजनेस, ट्रेड, ट्रेड इसको बोलना नहीं चाहिए, बट अभी तो सर्विस भी है तो ट्रेड ही बोलना पड़ेगा। ये भी मैम क्या है, ट्रेड है। इसको थोड़े लेवल पे लेके गए, कॉमर्स, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, सभी तो बिजनेस है। आप ट्रेडिंग करो, आप थोड़े बड़े लेवल पे करो, आप मैन्युफैक्चरिंग करो, मैम सब बिजनेस। अब समझो जीएसटी में कितने गहराई में गए, बोले देखो तुम बिजनेस कर रहे हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको उससे मतलब नहीं, बिजनेस मतलब बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो तो भी ये बिजनेस है, आपको लॉस हो तो भी ये बिजनेस है। मैम आपने क्या लॉस किया, सपोज करो मैंने कोई स्टॉक इन ट्रेड है, उसको मैंने लॉस में बेच दिया, उसने क्लियरली आगे लिखा है वेदर और नॉट पेक्यूनरी बेनिफिट, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, वेदर आर नॉट हैविंग पेक्यूनरी बेनिफिट, बिजनेस तो है, आपको प्रॉफिट और लॉस हमको उससे मतलब नहीं। मतलब फिर से क्या ले लिया, हर तरह का कवरेज, मतलब तुम्हें लॉस भी होगा तो भी अपने इनवॉइस में जीएसटी लगाना, तुम कितने का भी बेच रहे हो तुमको इनवॉइस में क्या लगाना पड़ेगा, जीएसटी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैम आप काय का बिजनेस करते हो, जैसे मेरा अभी मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ, मेरा वो बिजनेस है। अब इसके साथ क्लास पढ़ाने के साथ बुक्स भी तो जा रही है। अगर सपोज करो मैं आईडीटी की बुक अलग से सेल करने लग जाऊं, तो एंसिलरी एक्टिविटी ऑफ माय बिजनेस और इंसिडेंशियल एक्टिविटी ऑफ माय बिजनेस, मेरे बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी है वो भी तो बिजनेस ही कहलाएगा। तब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगी नहीं ना मेरा काम बुक बेचने का नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ाती हूँ। नहीं, इंसिडेंशियल एंड एंसिलरी एक्टिविटी दोनों ही बिजनेस है। और क्या हो सकता है मैम, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फोन की दुकान होती है। ठीक है, जो लोग इंदौर से तो कोई भी नहीं, बट ऐसे देखा है कहीं कहीं पर सिर्फ मोबाइल की शॉप होती है। ठीक है, अब वहां पे मोबाइल की शॉप है, चलो मेरी एक मोबाइल की शॉप है, मोबाइल बेचा, सामने कोई कस्टमर आ गया, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, इसको सही करके दे दो, मेरे को स्क्रीन गार्ड बदल के दे दो। तुम्हारा काम क्या है, फोन सेल करना, तुम्हारा काम स्क्रीन गार्ड बदलना तो नहीं है, पर तुम स्क्रीन गार्ड फ्री में तो बदल के नहीं दोगे, 100 रुपीज, 200, 250 कुछ तो चार्ज करोगे उसका, फिर क्या बोलोगे ये तुम्हारा बिजनेस ही नहीं। इसीलिए क्लियरली क्या लिखा है, एंसिलरी एंड इंसिडेंशियल एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस इज आल्सो अ बिजनेस। तो मतलब फिर कवरेज ले लिया, तुम आउटसाइड की जो भी एक्टिविटी भी करते हो ना अपने बिजनेस के लिए, वो भी तुम्हारा बिजनेस है, चलो वो भी मान लिया। फिर हम बैठ गए, मैंने क्या बोला, मेरा काम एयरक्राफ्ट बेचने का है, एरोप्लेन बेचते हम तो बना बना के, साल में एक तो बिक रहा है, उसको तुम कैसे बिजनेस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ना, हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं,
हमको फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि आप एयरक्राफ्ट बना के बेचोगे, तो आपका बिजनेस है, फिर चाहे साल में एक बेचो या साल में चार बेचो, हमको उससे मतलब नहीं। तो ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है वो साल में दो तीन भी बिकती होंगी, पर उनका जो प्रॉफिट लेवल है वो इतना ज्यादा होता है कि साल में बहुत हो जाता है काम। तो आप या फ्रिक्वेंसी की बात करो, आप वॉल्यूम की बात करो, बिजनेस इज बिजनेस। तो अब तक क्या बोला, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, वेदर और नॉट पेक्यूनरी बेनिफिट है, नहीं है पेक्यूनरी बेनिफिट, उससे हमको मतलब नहीं। इंसिडेंशियल एंड एंसिलरी एक्टिविटी, वो भी क्या है, बिजनेस है। और उसके बाद लास्ट में क्या बोला, वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी हमको कोई मतलब नहीं, वो भी बिजनेस है। चलो ये बात तो ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्मल, सबसे नॉर्मल। लेकिन इन्होंने ना ये नॉर्मल रहने नहीं दिया, इसके बाद जो इन्होंने किया ना वो बहुत आगे की बात है। हम यहाँ तक कर लिया क्या हमने? हाँ ये वाला कर लिया। एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन जो भी है, जो भी सिमिलर एक्टिविटी आप यहाँ पे कर रहे हो करो, वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, तुमको प्रॉफिट हो नहीं हो हमको इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा मैम, कोई भी इंसिडेंशियल एंसिलरी एक्टिविटी हमको कोई मतलब नहीं, ये बिजनेस है मैम। इसके बाद हमारा वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूटी हमको कोई मतलब नहीं, ये क्या है, तुम्हारा बिजनेस है। क्या ये तीन चीजें हमने कर ली? इस पर तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये क्या लिखा है, इसका मैं चाह के भी पूरा लॉजिक अभी नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा सा आईटीसी में ही बता पाऊंगी, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम पूरा इसको समझ ले कि इतना क्या गहरा है। सप्लाई एक्विजिशन, या तो आप सप्लाई करते हो या फिर आप एक्वायर करते हो गुड्स, दैट इंक्लूड्स कैपिटल असेट एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस, इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। क्या ही बोल रहे हैं, इतना सब कुछ इन्होंने बोला है, या तो आप सप्लाई करते हो या फिर आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो। मैम सप्लाई किया, एक्वायर किया, किस चीज को सप्लाई किया, एक्वायर किया, या तो आप क्या कर रहे हो, ये जो कैपिटल नेचर का असेट है, चलो मैम इसको क्या बोल रहे हो, मैंने क्या किया गुड्स को, अब गुड्स मेरे स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, ये भी हम समझ चुके हैं। आप गुड्स को या तो क्या करते हो, सप्लाई करते हो, कोई बात नहीं, या तो आप गुड्स को क्या करते हो, एक्वायर करते हो। ये जो गुड्स को आप एक्वायर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, कब कर रहे हो, या तो आपका बिजनेस अभी आपको स्टार्ट करना है, या तो आप अपना बिजनेस क्या कर चुके हो, क्लोज कर चुके हो। अब समझो, पहले आती हूँ, मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है, ये हम है और ये है हमारा बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन ये काय का बिजनेस था मेरा, किस चीज का बिजनेस था, सपोज मेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बिजनेस था, उस जमाने में चलते हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चला, लेकिन अचानक से जिंदगी में आ गए कलर। अब जब कलर आ गए तो ब्लैक एंड व्हाइट की कहीं ना कहीं मार्केट क्या होने लगी, धीरे 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 डाउन होने लग गई। तो तुम भी बताओ मुझे, या तो क्या करना पड़ेगा, कलर टीवी पे जाना पड़ेगा, या तो बिजनेस को बंद ही कर लो, वही अच्छा है। तो मैंने कहा यार इतने चेंजेस आ रहे, हम ठहरे पुराने जमाने के लोग, चेंजेस एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने सीधे क्या कहा, हम तो क्या कर रहे, अपना बिजनेस ही बंद कर ले, हमने अपना बिजनेस ही क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या डेट थी, सपोज करो 2019 तक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, 20 में भी सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही 22 आया चीजें गड़बड़ा गई, और मैंने क्या किया, 31 दिसंबर को साल के एंड के साथ सपोज करो 22 को मैंने बिजनेस भी क्लोज कर दिया। यहाँ तक बात समझ में? मैम आपने बिजनेस तो क्लोज कर दिया, वो हम समझ गए, दैट इज क्लोजर ऑफ द बिजनेस, वो किया आपने, बट बिजनेस क्लोज करने के साथ आपकी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थोड़ी ना सेल हो गई होगी, वो तो अभी भी आपके पास पड़ी होगी, वो तो अभी भी रखी हुई है। हाँ ये बात तो है, अब आप क्या रख के रखोगे, उनको देखते रहोगे जिंदगी भर? नहीं, उनको सेल तो करूंगी ना, बिजनेस बंद कर दिए कि आज से बिजनेस बंद, बट बिजनेस क्लोज करने के रिस्पेक्ट में मुझे इनको तो कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा, चाहे मैं उसको स्क्रैप नहीं बेचूं। इंसिडेंशियल एंड एंसिलरी एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस, चाहे मैं उसको स्क्रैप भी कर दूं, बट सेल करके कुछ तो अर्निंग होगी, तो वही लिखा है।
कि अगर आप क्या है बिजनेस क्लोज करने के रिस्पेक्ट में किसी चीज को सप्लाई करते हो, और हो सकता है कभी कभी क्लोजर में कुछ चीजें छोटी मोटी एक्वायर भी करनी पड़े कि उसको रिपेयर करके मेरे को देना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो बिजनेस क्लोज करने के रिस्पेक्ट में भी अगर आप करते हो तो ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मैम क्यों बनाया इसको कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जब तो बिजनेस ही बंद हो गया और उसके बाद भी इसको बिजनेस बोल रहे हो, वर्ड समझ रहे हो? बिजनेस बंद होने के बाद भी ट्रांजेक्शन को बिजनेस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें याद है या तो गुड्स चाहिए या सर्विस चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन चाहिए, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए उसको सप्लाई बनाने के लिए। तो हम इसको सप्लाई कैसे बनाते हैं? तुम बोल रहे हो बिजनेस क्लोज हो गया, हम तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई नहीं कर रहे, तो इसीलिए जबरदस्ती इसको क्या बनाया गया, ये बिजनेस का ही पार्ट है, समझ में आया? ताकि अब जब ये ब्लैक एंड व्हाइट चाहे स्क्रैप में भी बेचे, पर क्या लगाना पड़ेगा इसको, GST। आया समझ में? अब ये हो गया हमारा बिजनेस। बट मैम चलो ये बात तो आपकी समझ में आई, लेकिन अब फिर से हम, और हमने सोचा, हमने क्या किया, सोचा क्या सोचा, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच इज नॉट इक्वल टू अ बिजनेस, समझ रहे हो? बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट इक्वल टू अ बिजनेस, दैट इज नॉट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर मैम बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, आपको जरूरत लगेगी लैपटॉप की, क्या बोलना चाह रहे हो, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट खरीद के तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। मैम आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पूरे डेस्कटॉप की, आपको खरीद के तो लाना पड़ेगा। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैमरा की, आपको खरीद के लाना पड़ेगा। आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको डैश 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 बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक्वायरिंग ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट, वही हो गया ना, गुड्स एक्वायर करेंगे, मुझे यहाँ पे फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो एक्वायरिंग द गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट एक्वायर करनी। कुछ लोगों की सर्विस भी लेनी पड़ेगी, भैया वाईफाई लगा के दे दो, भैया मुझे क्या करके दो दो, इधर पीछे ग्रीन पेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि ग्रीन अगर नहीं हो तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो बहुत सारी सर्विसेज भी ली, गुड्स भी ले लिया, तो सर्विस भी एक्वायर की, कैपिटल एसेट भी, गुड्स सब एक्वायर कर लिया इन कनेक्शन टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बट मैम ये तो बिजनेस है ही नहीं, पर हमको चाहिए आइदर गुड्स आइदर सर्विस इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको पहले बोला ये बिजनेस है, क्या ये बात समझ में? बट एक चीज मुझे बताओ, मैं बार बार बोल रही थी, पहले इतनी चीज समझ में आई, थोड़ा बढ़ाऊं, मैं तो बार बार बोल रही थी एक्वायर, तुमने इसे कोई भी नहीं बोला मैम ये तो एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर नहीं, आप तो सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, समझे? यहाँ मैंने पूरी बात क्या की, मैंने एक्वायर किया, मैंने सप्लाई किया, वो तो ठीक है कि मैंने कुछ दे दिया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, कुछ बेच दिया, वो छोड़ो, जो एक्वायर कर रही हो तुम, क्वेश्चन क्यों नहीं किए मेरे को, मैम आप एक्वायर कर रहे हो और आप डेफिनेशन सप्लाई की पढ़ा रहे हो, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए था, समझ में आया? मुझे तो सप्लाई की डेफिनेशन में कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, या तो मैं एक्वायर कर रही हूँ, अब क्यों कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बना दिया, सोचो, दिमाग खराब हो गया इनका कि बस लिखते लिखते सप्लाई और एक्विजिशन कर दिया, नहीं दिमाग तो हमारा ही चल नहीं रहा है, उनका तो खराब नहीं हुआ होगा, बताओ। आईटीसी लेने के लिए, माइक माइक आईटीसी लेने के लिए किया ना, क्रेडिट लेने के लिए। आईटीसी, एग्जैक्टली आईटीसी लेने के लिए ही तो किया। अभी तुम आओगे मेरे साथ आईटीसी में, वहां पे सेक्शन नंबर 16 है, ठीक है, थोड़ा सा कैच होगा, इंटर में पढ़ा है, नहीं होगा तो भी समझ में आएगा। आईटीसी में सेक्शन नंबर 16 में ये कंडीशन लिखी है कि जब भी आप क्या करते हो, कोई चीज खरीदते हो, वो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होनी चाहिए, तब हम आपको उसका आईटीसी देंगे। अभी मैं आईटीसी क्या होता है वो नहीं समझाऊं तो चलेगा, कि आपको क्रेडिट मिलता है क्योंकि आप इंटर पे नहीं हो, तो मैं इतना समझ सकती हूँ कि पता होगा आईटीसी क्या होता है। तो वहां पे क्या, आप कोई चीज खरीद रहे हो, तो खरीदना मैंने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदी, आईटीसी नहीं मिलता, पर दैट शुड बी परचेज फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो फिर दिस शुड बी अ बिजनेस, कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितना खरीदा खरादी की, सारा स्टॉक इन ट्रेड तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही खरीदोगे ना, तो
आईटीसी मिलेगा ही नहीं अगर इसको बिजनेस नहीं बनाया, तो इसलिए बोल रहे बिफोर कमेंसमेंट जो भी एक्वायर किया कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अब जाके यहाँ पे इंक्लूड किया तब जाके वहां पे आईटीसी मिलेगा उन्हें। तो आर यू गेटिंग क्यों मैंने कहा था डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज नॉट जस्ट सप्लाई, दिस इज एंटायर जीएसटी। एक एक वर्ड का कहीं ना कहीं कहाँ जाता है, रेलिवेंस है। देन झाला जो सबसे ज्यादा वो था यही था जो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस केस में था। ठीक है, और इसके अलावा क्या बिजनेस हो सकता है? पार्किंग, हम बिग बाजार जाते हैं पहले ही बोल देते हैं 50 रुपए 20 रुपए। एडमिशन टू अ प्रिमाइस, आप क्या दे रहे हो उसको? सर्विस दे रहे हो कि आ जा। आप क्या देखने जाते हो? मूवी देखने जाते हो? आप कोई शो देखने जाते हो? कुछ भी कर रहे हो, एडमिशन टू अ प्रिमाइस जो भी चार्ज होता है वो भी तो आपका बिजनेस है। तो उसने वही बोल दिया आपका बिजनेस है। मैम क्लब वाले अपने ही मेंबर्स को फैसिलिटी देते हैं, बिजनेस है उनका। आप मेंबरशिप लो, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, वो आपका बिजनेस हो गया। और इसके अलावा बिजनेस क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका बिजनेस हो सकता है सोल डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा वो उसमें, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। इसके अलावा आपका बिजनेस होगा टोटल सेटर, वो रेस वेस में होते हैं ना जो बोली लगवाते हैं पूरा देखते कौन जीता कौन नहीं। अरे भाई ये भी तो आपका बिजनेस ही है। मतलब अब जो चीजें बोल रहा है वो क्या है, नॉर्मल। बट अब एक और चीज सपोज करते हैं, कोई मैं किस चीज का बिजनेस कर रही हूँ, मेरा वेबकैम का ही बिजनेस है। ठीक है, अब हमारा सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है लॉजिटेक का, वेबकैम हम ही देते हैं, सबसे ज्यादा टर्नओवर लॉजिटेक वालों का हम ही करवाते हैं। तो उन्होंने हमको क्या बना दिया, हमारे ट्रेड बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे क्या किया, वहां का जो एसोसिएशन वहां का चेयरपर्सन बना दिया। बना सकते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस करता है उसको कोई ना कोई पोजीशन मिलती है उन एसोसिएशन में। ड्यू टू ट्रेड आई गॉट अ पोजीशन टू होल्ड अ ऑफिस। प्रोफेशन, मेरी टीचिंग जीएसटी में अच्छी है, तो इसके लिए मुझे सपोज करो कहीं पे कोई ऑफिस होल्ड करने को मिल गया, तो आइदर ड्यू टू प्रोफेशन और ड्यू टू अ बिजनेस आई गॉट टू होल्ड अ पोजीशन। तो समझो मेरी बात, मेरे ट्रेड या प्रोफेशन के कारण मुझे कोई ऑफिस होल्ड करने को मिला, वो भी बिजनेस है। क्या कहना चाहते हो? मुझे ऑफिस होल्ड करने को मिला कहीं पे, मुझे सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये हर महीने। सैलरी अकाउंट तो जो डायरेक्ट टैक्स में वहां तो जाएगा ही जाएगा पैसा टैक्स होने। ये मुझे क्या मिल रहा है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का कमाया हुआ पैसा, तो यहाँ आईडीटी में भी आएगा। समझ में आया इसका रेलिवेंस कि क्या बोला है उनने? ड्यू टू ट्रेड या फिर ड्यू टू प्रोफेशन यू होल्ड अ पोजिशन, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन या ट्रेड यू होल्ड अ पोजिशन, वो पोजिशन से जो आप कमा रहे हो वो भी आपका बिजनेस है। तो बिजनेस है तो टर्नओवर में तो काउंट होगा उसका पैसा। तो अगर आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी तो अलग ही है, बट इट इज अ वाइड टर्म, यहाँ पे भी इसको इंक्लूड करो। अब इसको टैक्स करेंगे या नहीं वो तो आगे देखेंगे, पर ये सप्लाई तो है आपका। समझ में आया? डन, अब इस डेफिनेशन को खत्म किया, अब इसको रीड कर सकते हैं। चलो क्या लिखा है, सबसे पहले ये तीन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, दैट इज ऊपर ट्रेड वाला, एक्टिविटी एंसिलरी फ्रीक्वेंसी वाला। नेक्स्ट क्या लिखा है, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट्स, ये वाला भी कर लिया। फिर ई वाला क्या है, प्रोविजन ऑफ क्लब एसोसिएशन, वही क्लब वाले अगर अपने ही मेंबर्स को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। देन प्रमाइसिस में एडमिशन, एफ वाला। देन अगर आप कोई ऑफिस होल्ड करते हो एज अ पर्सन, कोई ट्रेड प्रोफेशन के कारण आपको कोई ऑफिस होल्ड करने को मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी करता है वो भी क्या है, बिजनेस। अभी तो बिजनेस बना लिया, टैक्स लगेगा या नहीं आगे देखें। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मूव करते हैं वापस किस पे, डेफिनेशन पे। अब जाके डेफिनेशन का क्या खत्म हुआ है, क्लॉज ए। अभी जाके क्या खत्म हुआ है डेफिनेशन का, क्लॉज ए। आया समझ में? अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं छोटे छोटे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर लिख के प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो मुझे बस आंसर देते जाना, पहला आंसर ही सप्लाई है या नहीं इतना ही देना है तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन बायर
रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांजेक्शन किसने किया? रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिसिन कंजम्पशन, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल कंजम्पशन विदाउट कैश, नॉट अ हो सप्लायर, गया, बोलो। नॉट अ सप्लायर, सप्लाई है या सप्लाई नहीं? सप्लायर नहीं, अभी मैंने एलिमेंट समझे थे ना, या तो गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। तो मेरे को पता है, एकदम से सोचने की जगह पहले सोचो ये गुड्स है या सर्विस। कुछ तो नाम बोला है, टेंजिबल टाइप की चीज फील हो रही है तो गुड्स। अब गुड्स की डेफिनेशन में आता है क्या ये? मैम, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वॉज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, मेडिकल कंजम्पशन नहीं। तो सबसे पहले गुड्स तो बन गया ही, डन। गुड्स के बाद मुझे क्या चाहिए था? इट शुड बी डन बाय अ पर्सन। अब पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड, तो ये पास हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन। इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, गड़बड़ तो यही हो गई। इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, हमने क्या बोला? नो कैश, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैम कंसिडरेशन गायब है, तो ये सप्लाई नहीं बन सकता। अभी मैंने शेड्यूल वन नहीं करा, इसलिए मैं ये नहीं बता रही कि कुछ चीजें विदाउट कंसिडरेशन भी होंगी। अभी के लिए इतना ही, और करते हैं फिर से। रजिस्टर्ड पर्सन एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल कंजम्पशन, इन रिटर्न गॉट अ लैपटॉप, ठीक है, इन रिटर्न गॉट अ लैपटॉप, बट इट इज नॉट फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब क्या हुआ? सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन, उसने क्या दिया मैम? एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल कंजम्पशन, गुड्स तो है, हमें चाहिए था। इसके बाद क्या? कंसिडरेशन, लैपटॉप मिला भाई को, कंसिडरेशन भी है। बट मैम एक कंडीशन फिर मिस हो गई, क्या? कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो मिस हो गया। फिर से क्या गया? ये किससे फिसल गया? सप्लाई नहीं बन पाया। फिर से और आगे, अगेन इसी को ही लेते। अभी रजिस्टर्ड पर्सन एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल कंजम्पशन, ठीक है, सोल्ड, यही सेल किया, इन रिटर्न गॉट 10,000 डिपॉजिट, ठीक है, इन रिटर्न गॉट 10,000 डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी, डन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब बोलो, बहुत सोच के बोलो। मैम जब वो डिपॉजिट अगर नॉन रिफंडेबल है तब तक तो वो सप्लाई नहीं रहेगा, एक बार वो रिफंडेबल हो गया तो फिर वो उस टाइम पे सप्लाई हो सकता है। और बोलो, और भी कोई बोलो, इनकम्प्लीट है अभी भी। एक मैम लाइन का वेट कर रही हूँ, वो लाइन पूरी कंप्लीट कर दो तो ये आंसर पूरा कंप्लीट हो सकता है। फिर से बोलना एक बार। वंस मोर एनालिसिस होगा। रजिस्टर्ड पर्सन एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल कंजम्पशन, 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया उसने, एंड इट इज डन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैम डिपॉजिट जब तक कन्वर्ट नहीं होता है सेल के अंदर तब तक के सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर सप्लाई नहीं मैडम, नहीं है। अब एक चीज बताओ, मैंने ये कब कहा तुम्हें? मैंने ये कहा था डिपॉजिट इज नॉट इक्वल टू कंसिडरेशन, मैंने ये कहा था कि डिपॉजिट इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। पहले तो आपको ये बोलना चाहिए पूरा पूरा, क्या वही एक लाइन जो कि मैम सबसे पहले डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं बनी, और अगर ये डिपॉजिट कंसिडरेशन बनता तो ये सप्लाई होगा। पर बिकॉज ये चीज कंसिडरेशन नहीं बन रही, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्पल में मैंने आगे कुछ दिया नहीं, हम एग्जम्पशन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मैम डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं बना। तो यहाँ पे बिकॉज डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर हम इसको कंसिडरेशन मिसिंग होने से इसको सप्लाई नहीं मान सकते। तो पूरी लाइन क्या है? मैंने ये कहीं नहीं बोला कि डिपॉजिट अगर है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, डिपॉजिट अगर है तो वो कंसिडरेशन नहीं बनेगा। बाकी अगर सपोज इसमें मैं ऐड कर दूँ 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 1 लाख कैश, अब क्या बोलोगे? आप तो बोलोगे ये सप्लाई है, पर
पर जीएसटी कितने पे लगेगा? इट इज नॉट 1,10,000, जीएसटी लगेगा 1 लाख के ऊपर, क्योंकि कंसिडरेशन में 10,000 कंपनी है। आया समझ में? धीरे धीरे वो लिंक समझ में आ रही है जो इतने टुकड़े टुकड़े में 2 दिन से की थी। अब चल थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा के लिख लिख के मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ हो गया मेरा पर्सन, जो भी पर्सन होगा यहाँ पे आइदर गुड्स होगी या फिर क्या होगा सर्विस होगा। यहाँ पे कंसिडरेशन, यहाँ पे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे तुम्हारा डिसीजन। इसको और भी इधर करते हैं। यहाँ पे सप्लाई है या नहीं पहले वो बताओगे, और फिर टैक्स लगेगा नहीं। अब टैक्स कहाँ तक बता पाओगे? जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से बता पाओगे, ठीक है? तो अब पर्सन कौन है मेरा? सबसे पहले एक बार रजिस्टर्ड पर्सन, एक बार अनरजिस्टर्ड पर्सन, और एक बार लेंगे हम टैक्सेबल पर्सन। अब इसने क्या सप्लाई किया? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, केस नंबर ए। फिर इन्हीं लोगों ने केस नंबर बी में क्या दिया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल या कोई भी कंजम्पशन, मेडिकल कंजम्पशन। सी यहाँ पे है फूड ऑयल। अब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कैश में किया या फिर किसने किया? तुम्हारा काइंड में किया, किसी में भी करा, थर्ड पर्सन ने दिया या फिर रिसिपिएंट ने दिया? कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, बोलो क्या करोगे? किसी भी केस में मेरा है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पहला, मैम कैश में ही दिया है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और रजिस्टर्ड पर्सन ने ही दिया। सप्लाई नहीं, नहीं, सप्लाई नहीं पक्का सबका? सप्लाई नहीं, सप्लाई तो नहीं है मैम, रीजन बोलो। आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, यहाँ प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जीएसटी से आउटसाइड है, ठीक है? इसके अलावा मैम अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन करता, फिर वही कैश में करे चाहे काइंड में करे चाहे थर्ड पर्सन करे या रिसिपिएंट, कुछ भी हो, अब ये प्रोबेबिलिटीज बन गई। सिर्फ चाहे टैक्सेबल कर, मैम कोई भी करे, हमको सिर्फ इसको देखना है इसका। ये तो जीएसटी से ही बाहर है, ना गुड्स बनेगा ना सर्विस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि दरवाजे ही बंद है इसके, तो आप इसको तो आउटसाइड ही रखो, ठीक है? इसमें क्या हुआ मैम, ये तो जीएसटी में इंक्लूडेड है। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आप एल्कोहलिक लिकर समझना, मेडिकल में हो रहा है तो ये गुड्स ही है, सिर्फ कौन सा आउटसाइड द प्रीव्यू गया, जो ह्यूमन कंजम्पशन। अब मैम फूड ऑयल, फूड ऑयल में क्या? फूड ऑयल चाहे वही पहला ले लिया, लेते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड पर्सन ही फूड ऑयल सप्लाई करता। मैम इसने कैसे सप्लाई किया? इसने सप्लाई किया कैश में, ठीक है? इसने कैसे सप्लाई किया? कैश में सप्लाई किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने 10 लाख में इसने कुछ सप्लाई किया, उसमें से 2 लाख रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दी, 10 लाख में से 2 लाख सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, और ये 2 लाख किसको दिए? ये 2 लाख दिए हमारे सप्लायर को, ठीक है? ये 2 लाख किसको दिया? हमारे सप्लायर। क्या ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में? तो एक केस ले लेती हूँ, हाँ ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, दूसरे केस में कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हटा देते हैं। तो पहला केस करते हैं, हम क्या ट्रांसफर किया? फूड ऑयल, बोलो गुड्स है या नहीं? यस गुड्स तो है। कैश में किया, कंसिडरेशन है या नहीं? है, मगर कंसिडरेशन काउंट कितना होगा? 10 लाख, 2 लाख की 8 लाख? 8 लाख 8 8 8 लाख पक्का? 8 लाख हो, 10 लाख मिला उसको, लेकिन जीएसटी कितने पे लगेगा? 8 लाख पे। तो जीएसटी के पर्पस के लिए 8 लाख की उसका क्या है? कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन भी है ना इसमें। हाँ, तो गुड्स भी है, कंसिडरेशन भी है, पहला कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। तो ये क्या हो गया? यस मैम, ये सप्लाई हो गया। अब टैक्सेबल होगा या नहीं?
आगे मेगा एग्जेंशन में देखेंगे, लेकिन हमने अभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो यस ही टेक्निकल इसको। चिराग शायद तुम्हारे इधर से वो वॉइस आ रही है, एक बार म्यूट करो। नहीं अब तुम लोग म्यूट करके रखो, जब आंसर दोगे ना सिर्फ तब अनम्यूट करना। फिर से फूड ऑयल लेते हैं, यही फूड ऑयल हमने ट्रांसफर किया। अब अभी क्या लिया है, डिपॉजिट लिया। अब थोड़ा सा मैं बढ़ा रही हूँ, डिपॉजिट कितना लिया, 1 लाख रुपीज। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने क्या लिया, 2 लाख रुपीज दिया क्या हमको सप्लायर को, और दिया 1 लाख रुपीज का सब्सिडी किसको दिया, रिसिपियंट को। ठीक है, ओवरऑल टोटल कंसिडरेशन कितना है एक्सेप्ट डिपॉजिट, टोटल कंसिडरेशन एक्सेप्ट डिपॉजिट कितना है मेरा, 10 लाख। सबसे पहले तो ये सोचते हैं सप्लाई है ना, तो मैम फूड ऑयल गुड्स है। हाँ फूड ऑयल तो मेरा गुड्स है मैम। कंसिडरेशन तो यह साफ दिख गया कि कंसिडरेशन आ रहा जा रहा है, और हम अभी इजी वे में, हाँ कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अब इसको मैं बताऊं, ये सब ट्रांसफर कब हुआ, क्लोजर ऑफ बिजनेस पे। अब तुमको समझ में आ रहा है, इवन क्लोजर ऑफ बिजनेस भी हो, क्या पढ़ के रखा है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है ही। तो मैंने क्लोजर लिख दिया मैम, ये तो है क्लोज, हाँ कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तुम भी बोलोगे मैं भी बोलूंगी सप्लाई तो है, इसमें डाउट नहीं। अब मुझे ये बताओ जीएसटी के लिए कंसिडरेशन कितना काउंट होगा, सेवन लैक्स नहीं 8 लाख ही होगा रिसीप्ट। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। अभी तक तो कितना इजीली समझते आ रहे थे, अभी स्टूडेंट्स कितने, 4 स्टूडेंट, उसके अंदर भी अगर एक गलत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ है ना। आप समझो मैम, सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल टोटल आपने क्या बोला, एक्सेप्ट डिपॉजिट, मतलब आपने अभी खुद ही डिपॉजिट हटा दिया, हमको हटाने का जरूरत नहीं है, तो 10 लाख तो यही हो गया। लेकिन इस 10 लाख में से 3 लाख तो सब्सिडी के, पर 3 लाख सब्सिडी के भले ही है, हमारे सप्लायर को सब्सिडी मिली 2 लाख, और हमने बोला था देने वाला गवर्नमेंट होगी लेने वाला सप्लायर होगा तो कंसिडरेशन से गायब होगा, तो कंसिडरेशन में से तो सिर्फ 2 लाख गायब होगा, ओवरऑल 8 लाख इज कंसिडरेशन। समझ में आया, क्योंकि जो रिसिपिएंट को मिलता है सब्सिडी वो तो काउंट होता है। और बढ़ाऊं इसको, मैम बट 1 लाख डिपॉजिट माइनस नहीं होगा, वो कंसिड्रेशन में काउंट नहीं होगा ना। पहले अपने, मैं वर्चुअली कान खींचू, तुम अपने कान जोर से अब भी खींचो, बोलो करो करो, क्यों बोला, यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्ट डिपॉजिट लिखा है यहाँ पे, कि हाँ टोटल कंसिडरेशन एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब पता है क्या, जेन्युइनली ये माइन्यूट मिस्टेक यही होती है, जेन्युइनली यही माइन्यूट मिस्टेक है, जब कहाँ करके आते हो वो 3 घंटे में, क्योंकि अभी तो प्रेशर भी नहीं तुम्हारे ऊपर, पर जब वो प्रेशर आता है ना तब वो और हावी होता है, और फिर हम बोलते हैं यार इतनी छोटी मिस्टेक करके, अगर पता है क्या, एक छोटी मिस्टेक का तुम थोड़ा समझो बैलेंस क्या है, कंसिडरेशन गलत, जीएसटी कैलकुलेशन गलत, उसके बाद जो भी तुम आईटीसी फाइटीसी कुछ भी निकाल लो, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी गलत, तो तुम्हारा आईटीसी का बैलेंस तो गलत ही आएगा, एक छोटी चीज की पेनल्टी कितनी बड़ी हो सकती है। अब फिर से हमने फूड ऑयल बेचा, चलो ठीक है, 10 लाख कंसिडरेशन लिख लो, 10 लाख क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है। इस 10 लाख कंसिडरेशन में के इंक्लूड, दिस 10 लाख कंसिडरेशन इंक्लूड 1 लाख डिपॉजिट। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है, पर अब मैंने वो एक्सेप्ट डिपॉजिट को क्या कर दिया, इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। अब कंसिडरेशन कितना होगा, बाकी सारी चीजें पुरानी वाली है, 10 लाख था इंक्लूड 1 लाख डिपॉजिट, 2 लाख का सब्सिडी किसको गया था, सप्लायर को, 1 लाख सब्सिडी गया था रिसिपिएंट को, अब कितना कंसिडरेशन, सेवन समझ में सेवन मैम, 10 लाख में से 1 लाख का डिपॉजिट हटाओ, बिकॉज डिपॉजिट इज नॉट इंक्लूडेड, हो गया ये 9 लाख। तो वो तो 2 लाख रुपए कंसिडरेशन सब्सिडी किसको दी, हमारे ही सप्लायर को दी, उसको भी रिमूव कर दो मैम, तो फाइनली ये क्या बना, 7 लाख आया।
तुम्हें नहीं लगता यही तो वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है जो तुम्हारे क्या है क्वेश्चन क्या है, यही होते हैं वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट। और करो अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं अगेन। अब चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब सप्लाई किया किस चीज को? हाई स्पीड डीजल ऑयल। अब मैंने किसको सप्लाई किया? हाई स्पीड डीजल ऑयल 10 लाख रुपीज, यही फिगर रखते हैं अभी। 10 लाख रुपीज में इन कैश हाई स्पीड डीजल ऑयल सप्लाई किया इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बोलो। तो हाई स्पीड आउटसाइड आउटसाइड द प्रीवियो ऑफ जीएसटी। और बोलो, मैम ये सप्लाई है सप्लाई ना, है कि नहीं? सप्लाई है पर डिफर्ड है। अब मनीष तुम्हारा आंसर गलत क्या? क्यों? आउटसाइड द प्रीवियो ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी से ही बाहर, ये जीएसटी से बाहर नहीं है, ये गुड्स के डेफिनेशन में भी है लेकिन अब भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में है? इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, यस इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, बट क्या मैम अभी जीएसटी लगाओगे? नहीं, डेफर्ड। तो रीजन क्या था? मैंने पूछा सप्लाई है कि नहीं, तो पहले तो सोचना था गुड्स है कि नहीं। गुड्स तो है, सप्लाई भी है, लेकिन सप्लाई होने के बाद भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफर्ड। आगे कॉन्सेप्ट समझना। हाई स्पीड डीजल ऑयल फिर से 10 लाख रुपीज फिर से, बट नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नॉट द सप्लाई, अब ये सप्लाई ही नहीं, गुड्स भी था मैम, सब कुछ था, पर आपने कंसिडरेशन हटा दिया तो ये सप्लाई नहीं। अब जो चीज सप्लाई नहीं उसका आगे क्या सोचू, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? अभी के लिए शेड्यूल वन नहीं किया इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ तो शेड्यूल वन की चीजें आएंगी जब कंसिडरेशन गायब होगा, बट अभी का बेस इतना है कि हमारी जिंदगी में शेड्यूल वन नहीं है, उस हिसाब से हम सारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है? नहीं तो कल को बोलोगे मैम कल तो कुछ और समझाया था, आज कुछ और ही समझा रहे हो। ठीक है चलो और आगे। फिर से मैंने सप्लाई किया, अब किस चीज को सप्लाई करते हैं? अब हम नेचुरल गैस सप्लाई करते। ठीक है, सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस कितने रुपए का? वही 10 लाख रुपीज का नेचुरल गैस हम सप्लाई कर रहे। ठीक है, ये जो नेचुरल गैस आप 10 लाख रुपीज का सप्लाई कर रहे हो, इसके लिए कैशबैक दिया कंपनी ने, कितना? 2 लाख रुपीज का कंपनी ने कैशबैक दिया, 1 लाख रुपीज का सब्सिडी अदर देन मतलब रिसिपिएंट को मिला, और 2 लाख का सब्सिडी हमारे सप्लायर को ही मिला है। नेचुरल गैस लिख लो भले, नेचुरल गैस, मेरा वो पेन चार्ज हो रहा है तब तक इसलिए मैं लिख नहीं पा रही। नेचुरल गैस आपने सप्लाई किया 1 पॉइंट, नंबर 2 10 लाख रुपीज का सप्लाई हुआ है। ठीक है, जिसमें से क्या है 1 लाख रुपीज का मुझे क्या मिला? कंपनी से कैशबैक। 1 लाख क्या है? कंपनी से कैशबैक। 2 लाख रुपए का सब्सिडी किसको गया? सप्लायर को। 1 लाख रुपीज का सब्सिडी किसको गया? रिसिपिएंट को। ठीक है, और 1 लाख का डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन में नहीं है वो डिपॉजिट, 1 लाख का डिपॉजिट भी लिया हमने। अब बताओ सबसे पहले सप्लाई है या नहीं? सप्लाई है, मान के चलते कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही हुआ अभी के लिए, तो ये सप्लाई तो है, इस पे किसी को डाउट तो नहीं, ये सप्लाई बनी। बट अब मैम जीएसटी कितने पे लगेगा बताओ? मैम अगर डिपॉजिट गवर्नमेंट ने किया है तो वो माइनस करके 8 लाख, डिपॉजिट अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो नहीं, गवर्नमेंट क्यों देगी? कस्टमर नहीं डिपॉजिट दिया। 10 लाख पे लगेगा मैम। वेरी गुड। अब यहीं से मैं काश तो मैं ऐसे मार सकती पर मेरा ही लैपटॉप फूटेगा। किस चीज में फंसे पता है तुम लोग? तुम भूल गए नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस तो नहीं है ना, जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर, डेफर्ड है। तो इतने सारे फिगर्स देखते गए और ये भूल गए कि नेचुरल गैस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, ये सिर्फ सप्लाई है। समझ में आया? पर कंसिडरेशन तो कितना काउंट करोगे? कंसिडरेशन के लिए सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, ये इतना कंसिडरेशन उतना कंसिडरेशन सब है, पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो कि हम कहाँ वीक है? प्रोविजन सब पता है, प्रॉपर एप्लीकेशन सीखो कि यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, और उसका तरीका बिना देखे क्वेश्चंस करते हैं। जो भी करते हैं बिना देखे क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा, अरे भैया ये तो सोचा ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं। अब कितना तो मामूली सा कॉन्सेप्ट 2 दिन से कर रहे हैं अपन, कुछ है ही नहीं, बट स्टिल वी आर रॉन्ग इन। ठीक है, इससे आगे अभी नहीं बढ़ाते, इतना तो आपको आ गया।
5 मिनट का टाइम दे रहे, पूरी सप्लाई की डेफिनेशन स्क्रॉल कर, डेफिनेशन क्या, क्लॉज स्क्रॉल करो बस, क्लॉज ए। इसके बाद मैं पहले जा रही हूँ शेड्यूल 1 पे विदाउट कंसिडरेशन वाली चीजें पे, फिर जाके हम दूसरी चीजें स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट्स का टाइम है, बट रिकॉल बिना देखे स्टार्ट करो।
तुम इसको ब्रेक की तरह मत समझा करना, 5 मिनट्स को जब रिकॉल बोलो तो प्लीज रिकॉल ही करना। पता चला बैठ के इधर फोन चला रहे कुछ कर रहे, तो 5 मिनट्स आर वेस्ट। ठीक है, अब 1.5-2 घंटे की क्लास में तुमको क्या ही ब्रेक चाहिए? ठीक है चलो, अभी थोड़ा सा मैंने और लिखा है तो मुझे इन चीजों का भी आंसर दो। क्या लिखा? सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत ध्यान से और बहुत ही ध्यान से, हमने लॉटरी टिकट को सप्लाई किया, कंसिडरेशन है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। सबसे पहले आंसर, सप्लाई है या नहीं? यस सप्लाई इज इंक्लूडिंग शेड्यूल 3। सही यस, सप्लाई इंक्लूडिंग। मैम, सप्लाई है। सही और अब टैक्स लगेगा या नहीं? चलो सप्लाई तो हो गया, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा मैम। सिंपल सी बात क्या है, वो वर्ड गलत हो गया बस। इंक्लूडेड इन शेड्यूल, सबसे पहले ये सप्लाई है। हाँ ये सप्लाई है क्योंकि एक्शनेबल क्लेम मेरा गुड्स होता है, तो ये सप्लाई है। ठीक है, लेकिन मैम शेड्यूल 3 में सब चीजों को इंक्लूड किया है, एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई इंक्लूडिंग वगैरह, लेकिन एक्सक्लूड किया है लॉटरी को, इसी कारण से इस पे टैक्स लगेगा। समझ में? चिराग, वो वर्ड एक्सक्लूड होगा। बाकी के आंसर को तुम लिखोगे कैसे, इसको फ्रेम करके दूंगी। अगर सपोज तुम लिख रहे हो ये सप्लाई ऑफ सर्विस या बिल्डिंग वाले को, तो एक बार लिख के दो मुझे। चलो सबसे पहले इस पे आ जाओ, मैं तो खुद ही लिख के बैठी हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसमें तो तुमको कुछ लिखना ही नहीं था कि सप्लाई है या नहीं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है। क्या सर्विस दी आपने? लोन दिया 10 लाख रुपीज का, लोन ऑफ 10 लाख रुपीज। शुड आई से दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस? ध्यान से, मैंने मैम सप्लाई ऑफ सर्विस किया, मैंने लोन दिया 10 लाख रुपीज का। शुड आई से गिविंग द लोन इज द सप्लाई ऑफ सर्विस? नो नो। मैम, नो मैम, नो। तो फिर किसको सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस? इंटरेस्ट को? इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट। यही तुम हो गए फिर से गलत। क्यों गलत हो गए? मैंने कब कहा था? मैंने कहा चलो मनी गुड्स नहीं है, मनी सर्विस भी नहीं है, बट मैं सिर्फ मनी को यूज करने के लिए दे रही हूँ। वो यूजेज तो सर्विस है ना, वो यूज क्या सर्विस है, और उसके लिए आप जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो इस पे GST लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया है आपने, इसको यूज करने दिया उसके बदले में आप कुछ कमा रहे हो, तो ये सर्विस दी उसके बदले में आप क्या कर रहे हो? कुछ कमा रहे हो, ये कमाई हुई चीज पे GST लगेगा। समझे? वो यूज तो है ना, यूजेज,
उस यूजेज के ऊपर जो आप क्या कर रहे हो चार्ज कर रहे हो दैट इज व्हाट, उस पे जीएसटी लगेगी। ये क्या है सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको कोई बताओ। सेल ऑफ बिल्डिंग कैश में किया, कोर सदर्न्स ऑफ बिजनेस में ही किया है, क्या है ये? सप्लाई ऑफ गुड्स एक, सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या है ये? इमोबाइल प्रॉपर्टी है, हाँ इमोबाइल प्रॉपर्टी है, मतलब तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलू, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलू, क्या बोलू उसको? हम गुड से नहीं है ये, बिल्डिंग हाँ तो गुड से में नहीं आएगा ना, मूवेबल नहीं है। बताओ, ये तो बताया था ना, नाइदर गुड्स, तो सर्विस से भी बाहर हुआ क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 ने कवर किया था। तो नाउ आई वुड से हम ये सप्लाई है ही नहीं, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि इसको शेड्यूल 3 में कवर किया गया। तो प्रॉपर ये बोलना पड़ेगा, ये सप्लाई नहीं है क्योंकि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 ने कवर किया है। फिर लास्ट, अब बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया आपने, अब आप सेल नहीं कर रहे, यू आर गिविंग बिल्डिंग ऑन रेंट। सप्लाई रेंट तो गुड है, सप्लाई है, है, क्या सप्लाई है? रेंट रेंट हाँ रेंट तो है, मतलब क्या बोलू, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलू कि सप्लाई ऑफ सर्विस? सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सप्लाई ऑफ सर्विस करेक्ट, पर तुम्हें याद है मैंने कहा था अगर आप बिल्डिंग को सेल करते हो, ध्यान से मैंने कहा था बिल्डिंग को सेल करते हो तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, वहां पे वर्ड ही लिखा है सिर्फ सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेंट लिखा। आप रेंट पे दो बिल्डिंग, लीज पे दो, वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। अगर आप रेंट वगैरह पे दे रहे हो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आया? तो दिस कंप्लीट्स क्लॉज ए का कंप्लीट एनालिसिस, जितनी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल थी उन प्रोबेबिलिटीज के साथ। ठीक है? मैम, इसमें आंसर लिखते समय पहले सप्लाई की डेफिनेशन आएगी, बाद में गुड्स का डेफिनेशन आएगा, और ये गुड्स क्यों नहीं है ऐसा? ये फाइनल के लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट, बताओ सप्लाई है नहीं है, जब तक कि ऐसे बहुत ही ऐसा वाला पेपर नहीं दे देना कि हमको ही शॉक हो जाए, तब तक नहीं आना। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो 1-1 मार्क के आते हैं, कि आप डायरेक्ट लिखो रीजन, आप डायरेक्ट लिखोगे यस इट इज सप्लाई बिकॉज इट इज सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, डायरेक्ट एक लाइन है, या तो लिखोगे आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी नाइदर सप्लाई, वैसा तो एक लाइन में ही इसके आंसर आते हैं, उसके लिए पूरी डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ लिखना नहीं। अगर ये मैम क्वेश्चन 1 में आ जाए 2 में आ जाए कहीं, तो भी डायरेक्ट नोट्स लिखोगे, नोट्स में भी डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1 लाइनर रीजन। तो ऐसी चीजों के लिए सब कुछ लिखना नहीं। ठीक है डन? मैंने जो अभी तक पढ़ी थी उसमें आंसर वगैरह में पहले डेफिनेशन लिखी रहती है, फिर उसमें क्यों क्यों बुक नहीं है है वो ना? लिखा रहता हाँ वो क्योंकि बुक है, और अगर हम इस तरह से उनको समझाने गए तो फिर हमको एक अटेम्प्ट और लग सकता है शायद एग्जेम्पशन लाने के लिए या फिर 40 के पार लाने के लिए। क्यों? जब वहां तुम लिखते हो उनको सिर्फ लॉजिक चाहिए कि तुमने इसको इंक्लूड क्यों किया एक्सक्लूड क्यों किया, कहाँ लिखने में बताऊंगी, कब तुम्हें शुरुआत में ही एक बार लिख लेना चाहिए कि वो सब समझने लग जाए। पर हमें जो क्वेश्चन ने पूछा ना उसके रिलेवेंट ही प्रोविजन लिखना होता है एग्जाम में, इट इज नॉट लॉ, ये लॉ का पेपर नहीं है। हमको जो प्रोविजन है प्रोविजन के रिस्पेक्ट में जो क्या क्वेश्चन है उसके रिस्पेक्ट में जो जो प्रोविजन आ रहे हैं और डायरेक्ट उसको लिंक करके बताना इसका रीजन ये है और ये मैंने प्लस माइनस कर दिया। ठीक है? क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर मैम। तुम सब लोग, हाँ बोलो, मेरी वीकनेस यही थी कि मुझे प्रोविजन याद हो जाते हैं, पर प्रेजेंट कैसे करना है, कितना लिखना है, वो ही जमता नहीं था। करेंगे देखो अभी वो टाइम तो नहीं है कि मैं एक आध भी क्लासेस की ले पाऊँ, क्योंकि अभी कुछ बताया क्या मैंने, कुछ भी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है मेरे लिए। जब थोड़ा सा हम क्या आएंगे मॉड्यूल 3 पे आएंगे ना और मैं इसका टारगेट देना चालू करूंगी, तब मैं बता सकती हूँ कि ऐसे लिखो इस क्वेश्चन को, इसको ऐसे करो। हम बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी करेंगे जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है, डिस्कस सारे करेंगे लेकिन सॉल्व मेजर इंपॉर्टेंट वाले होंगे, तब मैं आई कैन टेल यू टिप्स कि यहाँ पे ये लिखना ही चाहिए। ठीक है? बट उसके लिए थोड़ा वेट करो। अब पता है क्या होता है, सपोज करो तुम 15 15 20 20 नंबर हर एक इसमें छोड़ के आ रहे हो, तो तुम्हारे अब 3 पेपर हो गए, जिंदगी थोड़ी आसान हुई। ठीक है? लेकिन 60 मार्क्स कहाँ गए? अब तुम शायद 300 में से स्कोर करोगे, पर 300 में से तुम खुद ही
स्वाहा कितने करके है? 60 तो स्वाहा करके है, तो यू आर स्कोरिंग आउट ऑफ 240। और फिर तुम्हारी श्योरिटी है, तुम 80 नंबर का सही करके आ रहे हो, किया हुआ 10-10 नंबर हर पेपर से, वो भी हटा दो तुम, तो 90 तो यूं ही गायब हो गए। तो 210 में से स्कोरिंग करनी है, और 10 तो मेरा मिनिमम है, गलतियां तो इससे ज्यादा हम करेंगे। तो तुम समझो वो 20 नंबर बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि जहाँ कट रहा है वो मेरे को बचाएगा कौन सा, अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करती हूँ। मैं भी देखो मेरे लिए सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगी, बट मैं 100 मार्क्स का पेपर लिखवा नहीं सकती, लिख लिख के देखो हो रहा है कि नहीं। मैं टिप्स सारी दूंगी, बस वो टिप्स फॉलो कर लेना, और जेन्युइनली फॉलो कर लेना, यू विल फाइंड कि मार्किंग के अकॉर्डिंग हम हर मिनट चल रहे होंगे एग्जाम में। या मेरे को 20 नंबर का सॉल्व हो गया, अब मैं 30 नंबर का सॉल्व करूँ, तो तुम्हें पता होगा कि मैं कितने नंबर का सॉल्व कर रहा हूँ कितने घंटे पे। ठीक है चलो, अब आते हैं हम आगे। अब आगे क्या करना है मैम, अभी तक जिंदगी में आपने बताया था कि कुछ एलिमेंट जरूरी हैं सप्लाई के लिए, वो जिंदगी के एलिमेंट्स हम समझ ही रहे थे, वो कौन कौन से थे मैम? गुड्स था, सर्विस था, हमारा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, हमारा कंसिडरेशन था, हमारा पर्सन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये क्लॉज डबल ए क्या है? एकदम लास्ट छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, सब पूरा सप्लाई खत्म होने के बाद इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी मैंने कर दिया स्किप। आगे क्या लिखा है मैम फिर सप्लाई की डेफिनेशन में? सप्लाई की डेफिनेशन में आपको आगे लिख के दिया है कि अगर एक-एक एलिमेंट ऑफ गायब होना स्टार्ट हो जाए, अब क्या हो जाए, एक-एक एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे गायब होगा देखो, क्लॉज ए में तो सारे एलिमेंट्स चाहिए ही थे इनको, अब क्लॉज बी क्या देखते हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। मैम सर्विस है, यस, कंसिडरेशन भी है, यस। क्या लिखा है इधर? वेदर और नॉट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब वो एक एलिमेंट क्या हो गया? मिस। म्यूट कर दो, वो एलिमेंट क्या हो गया? मिस। अरे म्यूट करो। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मिस करना चालू कर दिया, वो कौन सा एलिमेंट मिस किया उन्होंने? अब चलेगा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद मैम क्लॉज सी में क्या बोला? विदाउट कंसिडरेशन। अब कौन सा एलिमेंट मिस किया उन्होंने? कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी चलेगा, मतलब अब जो मेरा पार्ट स्टार्ट होगा वो क्या होगा, या तो तुम्हारा बिजनेस गायब हो जाएगा या फिर तुम्हारा कंसिडरेशन गायब हो जाएगा। अब मेरी इच्छा थी पहले शेड्यूल वन स्टार्ट करवाने की, बट मैं अभी स्टार्ट नहीं करा सकती, टाइम को देखते हुए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फिर किसको, इसको। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मैम कितने मिनट लेगा ये हमारे? अगेन 25 मिनट्स, सिर्फ ये एक लाइन 25 मिनट लेगी। कैसे लेगी समझो इसको। मैम आपने यहाँ क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा, आईसीआई ने, जीएसटी वालों ने क्या लिख के दिया है? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अभी इसी पे रुक जाते हैं, क्या बोल रहे हो? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, याद है मैंने क्या बोला था? कई जगह सिर्फ गुड्स होंगे, कई जगह पे सिर्फ सर्विस होगी। ये क्लॉज बी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सर्विस के लिए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ पहला? हाँ भाई, ये सर्विस के लिए। मैम क्या चाहिए इसमें? कंसिडरेशन लगेगा लगेगा लगेगा, चलो ठीक है मान लिया मैम, कंसिडरेशन लगेगा लगेगा लगेगा। कंसिडरेशन लगा, इंपोर्ट किया आपने सर्विस, तो चाहे बिजनेस हो या नहीं हो उनको इससे कोई मतलब नहीं। कितना तो सिंपल है, खत्म। इंपोर्ट किया आपने सर्विस को, कंसिडरेशन है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। ये हो गया सप्लाई। अब मुझे कोई लॉजिकली अगर सोचे, मैडम ये क्या लिखा है, आप भूल गए, ये आप सप्लाई की डेफिनेशन करवा रहे थे, ये तो आप खरीद रहे हो, इम्पोर्ट खरीदा, इम्पोर्ट इज व्हाट परचेस, आपने किसी से सर्विसेज परचेस किए, परचेस को आप सप्लाई की डेफिनेशन में लेके आ रहे हो, ये क्या अनर्थ हो रहा है यहाँ, समझ पाए? यहाँ पे मैंने आगे एनालिसिस कॉर्नर में दो चीजें लिखी है, कुछ तो मुझे अभी लिंक शेड्यूल वन से भी इसको करना है, पर अभी मैं इसको लिंक करती हूँ। हम आप लिख रहे हो इम्पोर्ट और बोलते हो ये सप्लाई है, आप खरीद रहे हो और आप बोल रहे हो आप सप्लाई कर रहे हो, क्या इस जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाली उसके चीज को समझे, मैं की पॉइंट क्या समझा रही हूँ? है इम्पोर्ट, बनाएंगे सप्लाई, ये क्यों किया होगा? अब थोड़ा सा मेरी बात को समझो, मैंने क्या किया, सर्विसेज इम्पोर्ट कर ली, कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर लो, मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए मेरे लिए, अब पर्सनलाइज्ड एक स्टडी मेड इजी का अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे आगे से जूम लाइव क्लासेस नहीं लेनी, कुछ ढंग का चाहिए,
इसमें इससे ज्यादा बच्चे दिख पाए मुझे, बहुत अच्छा कुछ हो। सर्विसेज मैंने इंपोर्ट, ठीक है, अब मैं तो खरीद रही हूँ सर्विस। अब एक चीज बताओ, सप्लायर कहाँ बैठा है? जब मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ इम्पोर्ट, मेरा सप्लायर कहाँ है? इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर किसको रजिस्टर करवाओगे? चलो उसका टर्नओवर क्रॉस भी हो गया, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ क्रॉस हुआ उसका टर्नओवर, उसको बोलोगे क्या इंडिया में आके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन? बोल सकते क्या? नहीं, बचा कौन? कस्टमर। तो कस्टमर को बोला देख, वो कंप्लाइंस नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडिया के बाहर। तुम तो कंप्लाइंस कर सकते हो क्योंकि तुम इंडिया में हो, और इन्हें मतलब है किससे? जीएसटी से। इंडिया के बाहर जब पैसा जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर जा रहा है, इनको कमाई करने का कोई जरिया तो चाहिए, और कंप्लाइंसेस कौन करेगा फिर जो खरीद रहा है? तो रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस वो क्या करेगा, यहाँ पे बैठ के कंप्लाइंस करेगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर कैसे बना? ये इसके रीजन से बना क्योंकि आप उधर बैठे हो लोगों से तो जीएसटी चार्ज करने से रहे, तो उनको उनके अलावा बोलो रिसिपिएंट तू यहाँ बैठ के पूरा जीएसटी का कंप्लाइंस कर। कंप्लाइंस बर्डन शिफ्ट हो गया सप्लायर से रिसिपिएंट पे, पहले सारा कंप्लाइंस सप्लायर करता था, अब उससे शिफ्टिंग किसको कर दी? रिसिपिएंट। तो है तो ये सप्लाई एक्चुअल में उसका, पर किसका मान लिया? मेरा। समझ में आया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए इंपोर्ट को सप्लाई बनाए, डन। दूसरा नॉर्मल रीजन तो आप ये समझोगे, इन्हें ये भी तो देखना किस तरह की सर्विस बाहर से आ रही है, पूरा एक ब्योरा भी तो चाहिए होता है कि लोग कौन कौन सी सर्विस है जो इंडिया के बाहर से ले रहे, क्यों इंडिया में नहीं मिलती। फेमा भी तो इनको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो सब चीजों को इनको डिटेल चाहिए होता है। दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि जितनी सर्विसेज बाहर से आ रही उनका ब्योरा कैसे मिलेगा जब उनको टैक्स में कवर करेंगे, तब तो इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कि हाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने के लिए रिसिपिएंट को कंप्लाइंस करनी मैम, बट वाई ओनली सर्विस? आप भूल गए गुड्स भी तो हम इम्पोर्ट करते हैं, बट गुड्स के लिए तो पढ़ोगे ना कस्टम एक्ट। गुड्स के लिए स्पेसिफिकली क्या है? कस्टम एक्ट है, तो गुड्स के लिए है एक डेडिकेटेड एक्ट, सर्विस के लिए कोई डेडिकेटेड एक्ट है ही नहीं, तो उसको कवर कर लिया कहाँ पे? जीएसटी में। तो सिर्फ इम्पोर्ट पे मैंने दो एनालिसिस दिए, इम्पोर्ट का क्या है तो परचेस, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगाया है और इसलिए बोला है वो परचेस इज इक्वल टू डीम्ड सप्लाई। ये रीजन है, ये रीजन और ये ज्ञान आईसीआई के आंसर शीट में देखे आना नहीं, ये तुम्हें याद रखने के लिए समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, ठीक है। नहीं तो पता चले तुम कॉपी में ये सब लिख के आ रहे हो फिर बोल रहे मैम मार्क्स क्यों नहीं आए, वो मत करना, क्योंकि मैंने जेन्युइनली टेस्ट में देखे हैं कि सब लोग रीजन भी लिख के आते थे। दूसरा इम्पोर्ट तो कर लिया मैम, ये सर्विस ही क्यों, गुड्स क्यों नहीं? गुड्स इसलिए क्योंकि गुड्स का कस्टम एक्ट है और सर्विस का बेचारे का कोई एक्ट नहीं है, तो उसको जीएसटी ने जगह दी। दो चीज समझ में मैम, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस डन, आपने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया, कंसिडरेशन दिया, मान लिया हमने। अब सपोज करो मैम आपको क्या करना है, सपोज करो आपकी शादी है, आपको अच्छा ब्राइडल मेकअप चाहिए, आपने सर्विसेज इम्पोर्ट कर ली, फोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं, तो भी ये बोल रहे कि सप्लाई है, ये सिर्फ बोल रहे सप्लाई, टैक्स लगेगा या नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रही, ये सप्लाई है। मैम आपको आपके स्टडी में डीजी के लिए कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो भी आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो भी ये क्या है? सप्लाई। तो पहले तो सब कुछ घेरे में ले लिया, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, आप बस सर्विसेज मंगवाओ इंडिया के बाहर से, आपने बस पैसा देना है, और जैसे ही आपने पैसा दिया भाई बिजनेस है या नहीं हमको इससे मतलब नहीं, बस ये सप्लाई बनी, पहली चीज समझ में। मैम क्या होगा अगर कंसिडरेशन नहीं दो और सर्विसेज ले लो? अब याद रखो जिंदगी में जब जब जीएसटी वाली जिंदगी में जब जब कंसिडरेशन गायब होगा, तब तक क्या उभर के आएगा? शेड्यूल वन, मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी एक बार शेड्यूल वन। तो जब जब कंसिडरेशन तुम्हारी जिंदगी से पीछे जाएगा, आगे कौन आएगा? एक बार चेक कर लो, चार चीजें दी हैं, किसमें दी हैं? शेड्यूल वन में, कहीं वहां तो नहीं फंस रहे? अगर उन चार चीजों में से किसी में भी फंस गए तो भी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ही है। तो मैम जिंदगी से कौन गायब होगा अगर कंसिडरेशन? तो कौन आएगा? शेड्यूल वन।
1 कितने पैराग्राफ लेके आएगा? 4 पैराग्राफ। अगर तुम्हारा जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो इन 4 में से किसी में भी फंस गया तो विदाउट कंसिडरेशन भी तुमने सप्लाई ही किया है ना मधुर, आया समझ में? विदाउट कंसिडरेशन भी क्या किया? सप्लाई किया। मैम रुको, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, मैम कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी किस पे लगाओगे? हाँ यार ये बात तो सोची ही नहीं। विदाउट कंसिडरेशन तुम सप्लाई तो बना रहे हो पर जो कंसिडरेशन ही नहीं है तो तुम जीएसटी किस पे लगाओगे? मैं जीएसटी किस पे लगाती हूँ? 1 लाख रुपए का कुछ खरीदा उस पर जीएसटी, 5 हजार का कुछ खरीदा उस पर जीएसटी, जीएसटी किस पे लगाओगे? आप बोल रहे हो विदाउट कंसिडरेशन किया है और उसको सप्लाई मान लिया, जीएसटी कहाँ लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर रूल तुमको 27-28 दिया है इसी के लिए। ये कहाँ पे जाएगा इसका रूल? वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स हैं, रूल नंबर 27 इसी के ऊपर है। समझ में? तो बैठा कहाँ है बेचारा विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई में, उसका वैल्यूएशन कहाँ पे है? वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल में। आया समझ में? फिर से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है? हाँ किया मैम। किससे किया ये लिखा है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे स्पेसिफिक करना है? कुछ नहीं लिखा, बस तुमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करना है और क्या देना है? कंसिडरेशन। जैसे ही कंसिडरेशन दिया, और सर्जन्स ऑफ बिजनेस से कोई मतलब नहीं, पैसा पैसा पैसा, और जहां पैसा गायब हुआ शेड्यूल 1 सामने आएगा। इतना तुम्हें लॉजिक समझ में अभी? इतना लिंक जो दे रही थी बार बार, अब क्यों मैंने ये शेड्यूल 1 को बीच में लाया, अब उस चीज को समझो। जैसे ही तुम्हारा कंसिडरेशन गायब होगा, जैसे ही क्या होगा, तुम्हारा कंसिडरेशन गायब होगा, जिंदगी में एक चीज सामने आएगी, वो है शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 का ये जो पैराग्राफ 4 है ना, शेड्यूल 1 के पैराग्राफ 4 में भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए बातें करें। शेड्यूल 1 पैराग्राफ 4 वो भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की ही बात करता है। तो अगर कंसिडरेशन है तो सिंपल क्या देखोगे? सप्लाई की डेफिनेशन। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो किसको देखोगे? शेड्यूल 1 के पैराग्राफ 4 को। मैम सीए फाइनल लेवल पे क्या ये पैराग्राफ नंबर याद रखना जरूरी है? चाहे सीए फाइनल हो या सीए इंटर हो, शेड्यूल 1 के पैराग्राफ नंबर याद रखना है और लिख के आने हैं, तो इसको कर लो मार्क। इंपॉर्टेंट कि इसके पैराग्राफ रटे होने चाहिए। पैरा 1 में क्या है, परमानेंट ट्रांसफर, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 4th में आएगा मेरा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ तक बात समझ में? ये जितने लोग हा 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 कर रहे हैं ना, नहीं कर सकते। मैं नाम लूंगी ना जिसका, समझ जाना मैंने उसको देखा ऐसा करते है ना श्रद्धा? चलो अब मैम क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये वाला मेरा क्या है? सप्लाई की डेफिनेशन का है ना, और ये मेरा शेड्यूल 1 का लिखा हुआ है। ये एंड का मतलब है, सिर्फ इसको एनालाइज करा रही हूँ, एंड वेंड कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक है मैम, यहाँ पे भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि किस पर्सन से इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करना है, बस कंसिडरेशन देना है। और यहाँ तो मैम शेड्यूल 1 लिखा है, इसका मतलब कंसिडरेशन है ही नहीं। पर देखो विदाउट कंसिडरेशन जब आप इम्पोर्ट करते हो, पर्सन इज स्पेसिफाइड, इन्हीं लोगों से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी यही लोग हैं, इन्हीं से इम्पोर्ट करना अगर कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तो। और साथ में ये कंपलसरी होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। किया? कंसिडरेशन अगर गायब हुआ तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंपलसरी होता है। कंसिडरेशन है तो है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की नहीं है मेरे को मतलब नहीं। कंसिडरेशन नहीं है तो पक्का पक्का कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही ये काम होना चाहिए। पहले बेस बना, सप्लाई की डेफिनेशन बोलती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो, कंसिडरेशन के साथ करो, बिजनेस हो या नहीं, डन। स्पेरा 4 क्या बोलता है शेड्यूल 1 का? इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो, डन। इन्हीं लोगों से करना, अब वो इन्हीं लोग अभी मैंने पढ़ा नहीं, पर इन्हीं लोगों से करना मतलब लोग स्पेसिफाई कर दिए। पहले स्पेसिफाई थे क्या? कंसिडरेशन था जब, किसी से भी करो, पैसे से मतलब है बस। यहाँ पे लोग भी स्पेसिफाई। दूसरा क्या बोला? कंसिडरेशन नहीं है, नहीं, क्या कंपलसरी हो गया कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंपलसरी हो। बात समझ में? अब और थोड़ा सा अंदर जाते, अब मैं सिर्फ पैरा नंबर 4 पे लिख के बाद में कराऊंगी, पहले सिर्फ वर्डिंग्स बैठाने मेरे को दिमाग में। पैरा नंबर 4 क्या बोलता है?
इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया, किससे करना है मैम? रिलेटेड पर्सन से करना है, या आपका खुद का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर होना चाहिए? रिलेटेड पर्सन, या तुम्हारा खुद का हीज लिखा है वहां पे, हीज ओन एस्टेब्लिशमेंट, अड़ोसी पड़ोसी का नहीं, हीज ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इन दो लोगों से ही करना, क्योंकि एक बात बताओ, कब फ्री में काम होता है? जब रिलेशन होते हैं। तो वही तो बोला है, फ्री में कब काम हुआ? कंसिडरेशन क्यों गायब हुआ? क्योंकि तुमने रिलेशन वालों से किया, या तो रिलेटेड पार्टी या खुद का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर, तो रटना क्या? पर अगर रिलेटेड पार्टी से भी करो ना, तो बिजनेस में करा होगा, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होता तो फ्री में गिफ्ट नहीं चल रहे होते, समझ में ही बात। तो मैम अगर कंसिडरेशन है तो किसी से भी करो, हमको तो सिर्फ कंसिडरेशन चाहिए था। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो पक्का ये रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हुआ होगा तुम्हारा, या तुम्हारे ही एस्टेब्लिशमेंट से हुआ होगा, और ये बिजनेस में ही किया है, क्योंकि बिजनेस नहीं होता तो ये तो नॉर्मल चीज थी, रिलेशन वालों को तो गिफ्ट लेते देते रहते हैं। क्या ये बात समझ में आई बेसिक? अब रिलेटेड पार्टी की भी डेफिनेशन, इसीलिए बोला ये अपने आप में सीए फाइनल लेवल पे मेरे लिए एक चैप्टर है। ये दो चीजों को एनालाइज कराना इज अ चैप्टर फॉर मी। अब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, और उसमें भी एक डेफिनेशन है, और इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर पूरे शेड्यूल वन में कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो पूरा शेड्यूल वन ही है, और उसके अंदर अगर मैं एक कैटेगरी करूं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है? चलो 2 मिनट का दिमाग को शांति दो, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस अब चालू होगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का, और ये 25 मिनट से भी ऊपर ले जाए तो मेरे को कोई वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का एक लिंक तुम्हें मेगा एग्जाम्पशन में मिलता है, और इन तीनों को जोड़ के ही ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में ये तीनों में से कोई एक चीज निकली हुई रहती है, और अभी तक हमेशा रहती है, ठीक है? तो दिल थाम लो, 2 मिनट के लिए समझा लो अपने आप को, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट्स का मिनी ब्रेक, घूम के आना तो घूम के आना। हाँ श्रद्धा, 2 मिनट घूम के आ जाओ। निधि एक बार व्हाट्सएप पे हाय करो ना मुझे। चलो आ जाओ वापस, हो गया 2 मिनट खत्म। चलो 2 मिनट खत्म हो गए। अदिति, श्रद्धा,
ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा सच बोलना? ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है सारा लिंक, और वो सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमको खुद को भी लग रहा है ना कि समझ में आ रहा है? बोलो सच सच एकदम। 50 के 60 दिन लगेंगे, लेकिन अच्छे से करना। फिर मैं स्लो और कर दूंगी जो ऑलरेडी बहुत स्लो है। बोलो बोलो, टेल मैम टेल। मुझे आखिरी बार अटेम्प्ट देना है, मुझे अटेम्प्ट आखिरी बार देना है, इसके लिए चलता है। चलिए चलता है, मतलब मैं समझी नहीं क्या चलता है। फिर से बोलो, आवाज नहीं है। इस बार लास्ट टाइम करना है कि फाइनल कंप्लीट ही करना है, ऐसा उसका बोलना मैंने ऐसा। हाँ नहीं, वो समझ गई। मैं तो ये पूछ रही थी तुम्हें लिंक समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा है मैम, समझ में आ रहा है। है कि नहीं? नहीं तो मुझे बाद में पता चले कि मैं तो कुछ आई नहीं, तो मैं ही कि हाँ चलो कॉलेज वाले चल रहा है, बाद में झटके मत देना भैया। हेलो, आ जाओ। अब एक एक छोटा 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 एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अभी क्या बोला, दो चीजें भाई। एक तो अगर कंसिडरेशन है तो जिंदगी में और कुछ चाहिए क्या? पैसा चाहिए था, मिल गया, हमको और कुछ देखना ही नहीं। लेकिन पैसा गायब हो गया तो लोगों को भी देखेंगे और कोर्स वर्जन्स ऑफ बिजनेस को भी देखेंगे। तो जब जब जिंदगी से क्या गायब होगा, जब जब जिंदगी से पैसा गायब होगा, तब दो कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, सबसे पहली चीज अगर क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर ये क्या है, कंसिडरेशन है, ठीक है, और ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, नो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अगर है तो नो अदर थिंग मैटर। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज लिख रही हूँ समझने के लिए, बट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यस। और साथ में क्या होना चाहिए, या तो रिलेटेड पार्टी से हुआ हो या ओन एस्टेब्लिशमेंट। बस इतना। अब मैम रिलेटेड पार्टी क्या है, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? अब आते हैं हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पे। देखो रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, या तो जो काम का इसमें वो एक ही है, ये वाला सबसे ज्यादा काम का इसके अंदर ये है क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। दूसरा काम का ये, बाकी कुछ नहीं है, एनालिसिस सिर्फ इन दोनों का ही है, बाकी किसी का एनालिसिस नहीं। तो या तो देखो तुम उसके ऑफिसर, उसके बिजनेस में ऑफिसर हो, की मैनेजर पर्सनल हो सकते हो, या उसके बिजनेस में डायरेक्टर हो। एक दूसरे के बिजनेस के या तो डायरेक्ट या ऑफिसर हो, तो यार कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आएगा ना, रिलेटेड होगा। या तुम क्या हो, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, लीगली मतलब पार्टनरशिप डीड बनी, या तो तुम लोग पार्टनर हो तो भी क्या हो, रिलेटेड हो गए, ठीक है, इसको अभी छोड़ दिया। या तो कोई थर्ड पर्सन तुमको कंट्रोल कर रहा है, या तुम किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर दो लोग मिलके हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हम मिलके दो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ पाए, कॉमन कंट्रोल। या तो दो लोग हमको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आपस में, ये लोग भी क्या हो गए, मिलिए रिलेटेड पार्टी। या मैं इनको कंट्रोल कर रही हूँ तो भी ये क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी। या फिर हम लोग पार्टनर्स हैं तो भी हम रिलेटेड पार्टी। या वो मेरे बिजनेस में डायरेक्टर है या मैं उसके बिजनेस में डायरेक्टर हूँ तो भी हम क्या है, इन्फ्लुएंस। जहां पे दिख रहा है किसकी महक आ रही है, इन्फ्लुएंस की, वो क्या है, तुम्हारी रिलेटेड पार्टी। रटना भी मत, सिर्फ एक रीडिंग चाहिए इसको, रीड रीड, ये सब रीडिंग वाले हैं, ये सब रीडिंग। या फिर यही मेरा सोल कंसाइनर है, यही मेरा सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, होल सोल 90% तो यही मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, रिलेटेड है, इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, ये लीगली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, कोई डीड नहीं है तो आप लीगली रिकॉग्नाइज नहीं, डीड नहीं है तो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं, ठीक है। डीड नहीं है सॉरी, तो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है तो रिलेटेड पार्टी तो नहीं हो। बकायदा डीड चाहिए तो हम मानेंगे तेरा रिलेटेड है, ऐसे बोल के नहीं आ रहा ये मेरा पार्टनर है,
नहीं चलेगा, इतनी बात समझ में। अब मैम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये भी आपस में रिलेटेड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी क्या है, रिलेटेड पार्टी, ये बात आई समझ में? ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप सेम फैमिली के मेंबर्स हो ये भी रिलेटेड, अगर आप क्या हो सेम फैमिली के मेंबर्स हो ये भी क्या है, रिलेटेड है। तो अभी मैंने सिर्फ रिलेटेड पार्टी के, अब रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आएगा, अब रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले या तो मैं उसके उधर डायरेक्टर या वो मेरे इधर डायरेक्टर, बात खत्म, या लीगली 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 रिकॉग्नाइज पार्टनर, ठीक है, या फिर मैम क्या है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, हम रिलेटेड हो गए, या फिर वो मेरा सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसाइनर है, सोल वो भी हो गया, और क्या हो सकता है मैम, हम उसको कंट्रोल करते हैं तो भी हो गया, या वो मुझे कंट्रोल करते हैं, या हम दो लोगों को कंट्रोल कर रहे तो वो दोनों कॉमन कंट्रोल हो गया, या दो लोग मिलके मुझे कंट्रोल कर रहे, ये सब रिलेटेड है, ये हो गई रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। काम का क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, मेंबर ऑफ सेम फैमिली मतलब क्या, फैमिली कौन, हस्बैंड वाइफ फैमिली, चिल्ड्रन फैमिली, हस्बैंड वाइफ मतलब स्पाउस फैमिली, चिल्ड्रन फैमिली, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, ठीक है, तो कौन हो गया, मैं मेरा स्पाउस फैमिली, चिल्ड्रन फैमिली, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली, और भाई बहन फैमिली। लेकिन अब आ गया ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट दिया इन्होंने, स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे आप पे डिपेंड हो या नहीं हो कोई बात नहीं, वो आपकी फैमिली ही है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आप पे डिपेंड करते हो या नहीं डिपेंड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पक्की फैमिली, लेकिन पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अगर आप पे डिपेंड करते हो होली या मेनली, दो वर्ड बोल रही हूँ, होली पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली हैंडीकैप हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है या मेनली आप पे डिपेंड, मेनली मतलब छोटा सा छोटा मोटा कोई काम करते ज्यादा अर्निंग नहीं होती, थोड़ा बहुत कर लेते पर घर चलाने के लिए मुझ पे ही डिपेंड कर रहे हैं, या फिर हैंडीकैप है छोटा मोटा काम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा घर चलाने के लिए उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है, तो या तो होली पूरा डिपेंडेंट है आप पे या फिर क्या है मेनली आप पे डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर इनका डिपेंडेंट होना जरूरी है, अगर डिपेंड करते तो फैमिली है, डिपेंड नहीं करते तो फैमिली नहीं, क्या ये बात समझ में? तो फिर आते हैं रिलेटेड पार्टी के क्लॉज में, रिलेटेड पार्टी सेक्शन नंबर 15, क्या मुझे सेक्शन याद रखना है, ना जरूरत नहीं है, मुझे क्या याद रखना है कौन कौन है, मेन था मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, और तीसरा मेरा कौन हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पे मेरा सबसे पहले फैमिली, अब मैम मेंबर ऑफ सेम फैमिली में कौन, फैमिली कौन, फैमिली मतलब सबसे पहले पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर डिपेंड करते हैं क्या, चाहे होली डिपेंड करे या मेनली डिपेंड करे तो ही रिलेटेड पार्टी, और मैम स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंड करे या नहीं करे रिलेटेड पार्टी। अब क्यों इतनी बड़ी डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी की, इसमें अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी एक एक्सेप्शन आएगा, बहुत चीज है अभी, बट इतना समझो इम्पोर्ट कर रहे हो, हाँ सर्विस किससे किया, मैंने मेरे ब्रदर से इम्पोर्ट किया वो वहां पे डायरेक्टर है, या फिर मैंने मेरे ब्रदर से इम्पोर्ट किया वो उसकी वहां पे कंपनी है, सुनना फिर से सुनो, मैंने मेरे ब्रदर से इम्पोर्ट किया उसकी कंपनी वहां पे सॉफ्टवेयर की, वो मुझ पर डिपेंड किया क्या, मेरा ब्रदर इंडिया के बाहर खुद एक कंपनी लेके बैठा है सॉफ्टवेयर की, और मैंने कहा तू ही मेरे को स्टडी में डीजी के लिए सॉफ्टवेयर बना के दे, तुमको ब्रदर सुनाई दे रहा है, बस होली मेनली डिपेंड नहीं करता वो मुझ पे, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, और जहां रिलेटेड पार्टी नहीं है, अब मैंने विदाउट कंसिडरेशन उससे सामान लिया, सामान इन द सेंस सर्विस ली, मैम इम्पोर्ट किया सर्विस यस, विदाउट कंसिडरेशन किया यस, ब्रदर है मैम ब्रदर है बट ये रिलेटेड नहीं है, तो ये सप्लाई ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सप्लाई के लिए या तो कंसिडरेशन चाहिए था, ठीक है कंसिडरेशन गायब हुआ तो शेड्यूल वन चेक करना था,
शेड्यूल वन चेक किया, पता चला रिलेटेड पार्टी से ही करना था इम्पोर्ट, वो बना क्या रिलेटेड पार्टी? नहीं बना, तो अब ये तो क्या हुआ, सप्लाई नहीं हुआ। समझ में आया? कैसे देखना पड़ेगा इसको, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। है इसमें बहुत सारी चीजें मैम। मैंने मेरी सिस्टर से इम्पोर्ट किया, मैंने क्या किया, मेरी सिस्टर से सर्विसेज इम्पोर्ट की, ठीक है। मेरी सिस्टर वहां पे क्या है, डायरेक्टर है, ध्यान से सुनना, मेरी सिस्टर क्या है वहां पे, डायरेक्टर है कहाँ पे, जिस भी कंपनी की वो डायरेक्टर, वो कंपनी मेरी है, मेरी एस्टेब्लिशमेंट है। अब सिस्टर तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो रही, क्योंकि वहां डायरेक्टर बनी हुई है, मतलब कमा रही है वो, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट तो मेरा ही है, ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, जिससे आप सर्विसेज इम्पोर्ट कर रहे हो। अब क्या हो गया, अब ये रिलेटेड बन गया। माइन्यूट सी चीज है, या तो रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए या खुद का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो पहली टिक रिलेटेड पार्टी। अब सुन, दूसरा, मैंने मंगवाई तो थी सिस्टर से ही सर्विस, मेरे ही एस्टेब्लिशमेंट से मंगवाई थी, पर मैंने मेरी शादी के लिए मंगवाई थी सर्विस। ओह, क्या गायब हो गया, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद है, जब कंसिडरेशन गायब होगा तो पार्टी भी फिक्स है और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी चाहिए ही चाहिए। अब तुम कहाँ पे मार खा गए, ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही नहीं, तो शेड्यूल वन की कंडीशन पूरी हुई, अब ये सप्लाई नहीं है। समझ पाए, वर्ड टू वर्ड देखना पड़ेगा। तो कल की शुरू की 30 मिनट की क्लास इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिंकेज को डेडिकेटेड रहेगी। फिर शेड्यूल वन मेरा पूरा एक दिन लेगा, तब जाके तुम मेरे साथ बोल पाओगे सप्लाई का एक पार्ट खत्म हुआ। क्योंकि टाइप्स ऑफ सप्लाई बचा है, इंटर स्टेट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, SEZ सप्लाई, से बहुत सारे टाइप ऑफ सप्लाई भी हैं, और ये मैं कहाँ से उठा के चलूंगी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टॉपिक से। देखिए यही सब कुछ पढ़ा जाना चाहिए, इसीलिए वी विल टेक 7 to 8 days फॉर सप्लाई, क्योंकि इसके साथ एक नहीं दो चैप्टर खत्म होंगे। इम्पोर्ट ऑफ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है ना, वो यहीं से जुड़ा है पूरा, और इसके भी लिंक आते हैं, SEZ, जीरो रेटेड सप्लाई, सारे लिंक आते रहते हैं, ठीक है। चलो, 10 मिनट्स टाइमर। आज क्या क्या लिखोगे, पहले गुड्स की लिख लो, गुड्स की डेफिनेशन लिखनी है, और उसमें क्या डेफिनेशन से बाहर हुआ, क्या आउटसाइड GST गया, वो लिखना है तुमको, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन, फिर अभी जो इम्पोर्ट के दोनों पॉइंट किए ना, शेड्यूल 4 वाला, मतलब पैरा 4 वाला, लैंग्वेज पूरी लिखनी है दोनों की, तो सप्लाई वाली इम्पोर्ट की लैंग्वेज भी लिखनी है और ये वाली भी लिखनी है, पैरा 4 वाली, दो चीज। और तीसरा, हमने अभी क्या किया, गुड्स कर लिया, सर्विस कर लिया, शेड्यूल, कंसिडरेशन की पूरी डेफिनेशन, बस ये तीन चीजें 10 मिनट्स में प्रॉपर लिखो, ठीक है। और 10 मिनट्स का टाइम देखते चलो, टाइमर के साथ तुम्हारा खत्म होना चाहिए, बिफोर टाइमर खत्म होना चाहिए, तब स्पीड बनेगी। स्टार्ट हो जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ मैं, टाइमर लगा रही हूँ।